मॉर्निंग छोटा साहब जी। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, गाड़ी बड़ी चमक रही है। हाँ जी। हे जूनियर, कम यहाँ, कम यहाँ, कम यहाँ, कम यहाँ। ओ चावला साहब, ये कुत्ते और इंसान में कोई तो फर्क किया करो। बेटा है मेरा चट्टा साहब। और जी बेटा तो आपका है, लेकिन जान तो मेरी खाता है ना। मेरी बात मानो तो इसके लिए मम्मी ले आओ, रिंग द वेडिंग बेल्स, है कि नहीं? कुछ दिनों की बात है चट्टा साहब, मम्मी भी आ जाएगी। और ये तो मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। एक बात बताऊँ आपको, अगर मकान किराए पे लेने से पहले आपने बताया होता ना कि कुत्ता भी साथ में है, तो भाई गॉड की कसम कभी नहीं देता। तभी तो नहीं बताया। चट्टा साहब, आपका कनाडा का वीजा लग गया? ओ लग जूगा जी, नॉट लॉन्ग। 2 साल से मैं भी यही सुन रहा हूँ। कम ऑन चुनिया, कम ऑन। 2 साल हो गए? चड्डा साहब को परेशान करना बंद कर। आई नो इज अ लिटिल इरिटेटिंग, बट ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग, वरना हमें रोड पर आना पड़ेगा, समझा? हाय हनी। हाय बेब्स। तुम भूले तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस एट 7। श्योर बेब्स। और एक काम कर दोगे प्लीज? एनीथिंग फॉर यू माय जान। आते हुए ड्राई क्लीनर से मेरे कपड़े उठा लेना। पहना भी दूंगा। Yeah, give him a cyclogen. और हाँ, no red meat, okay? चल, चल शुरू कर। चड़ा साहब सही कह रहे थे, तेरे लिए मम्मी लानी पड़ेगी। पूजा के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थैंक गॉड, वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बोल मैक्स। हे ड्यूक, इमरजेंसी, हरी आपा। आई बी देयर। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं मना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। करते क्या हो? ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। ट्रैवल एजेंसी? तो स्विट्जरलैंड जरूर गए होंगे। मैक्स, अरे सीजर, मैं तो एक असिस्टेंट हूँ। सुना कमाल की जगह है, बिग माउंटेन्स, वास्ट लैंडस्केप्स, गुड फूड एंड प्रिटी विमेन। जाना चाहोगे? हाँ। तो फिर जिंदगी से प्यार करो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही मेरे पेशेंट्स के लिए मेरा मंत्र था। Pulse is rising. I got it, Rosie, I got it. Stitch him up. And when he wakes up, ise keh dena ki main bhi kabhi Switzerland nahi gaya. Good work, Duke. Good one, Doc. Hey, yeah, Duke, as usual, great job, huh? Hey, Rosie, how's your boyfriend? अकेला है। क्यों? मैंने उसे छोड़ दिया। Not again, Rosie. आप तो जानते हैं डॉक, मुझे आप जैसे बॉयफ्रेंड की तलाश है। Whoa, one day. Hey, Rosie, I have a great idea. You know, जब तक तुम ड्यूक का इंतजार कर रही हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? Say. Way too old, डॉक. Hey, what do you mean old? Old is gold. Yeah. What is this, Rosie? Old is experience. Duke has no experience. What are you saying, no experience? No, but really, Duke, समझ भी नहीं आता तू करता कैसे? जैसे कोई इंसान बिल्डिंग से गिर रहा हो और तू अचानक उसकी जान बचा लेता है, स्पाइडरमैन की तरह। You mean like? तू मजाक कर रहा है, but really, really, it's a gift. Any messages for me? Yes, sir. It's a gift, Duke. Believe me, really. Max, मैं खुद कुछ नहीं करता, and neither am I Spider-Man, dude. Yeah, well. You know, I love life. और दुख दर्द में ना लोग जीने की उम्मीद खो देते हैं, और मैं उन्हें वही देता हूँ जो खो चुके हैं, उम्मीद। Impressed? तू एक काम क्यों नहीं करता? एक और शुरू कर दे। पेशेंट की जान कैसे बचाई जाए? उम्मीद से। What do you say? Oh shit. क्या हुआ? पूजा, ड्राई क्लीनर्स, don't be late in the night, okay? Yeah. See okay, you. Okay. Listen, listen. सुनो, दारू तो होगी। बोन मैरो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर चावला ने इसी कैंसर का संभव इलाज ढूंढा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी प्रयास में इनके रिसर्च को फंड करने का फैसला किया है।
थैंक यू AMA फॉर योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन. यह हमारा पहला कदम है. अभी सिर्फ रिसर्च फंड हुई है, रिसर्च शुरू नहीं हुई. और फिर कौन कहता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता. मुझे मेरे पापा याद है, उन्होंने मां को बचाने की बहुत कोशिश की. मेरी मां को कैंसर था. मैं दिन रात प्रार्थना करता रहता था भगवान उन्हें बचा लो. साथ के कमरे में मेरी मां की दर्द में रोने की आवाज आती रहती थी, कहीं मैं ना सुन लूं. मां अपना मुख कंबल से ढक लेती थी. भगवान ने मेरी नहीं सुनी. शायद मेरी मां की प्रार्थना में ज्यादा ताकत थी. उन्हें दर्द नहीं चाहिए था, इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिया और पापा को भी. मैं हमेशा सोचता रहता था कि भगवान ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. मेरे हर कदम पे साये की तरह मेरा साथ देते गए ताकि मैं ये दिन देख सकूं, मेरी मंजिल ये बने. मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कैंसर पेशेंट बेचारा नहीं कहलाएगा. कोई भी पेशेंट दर्द से छुटकारा पाने के लिए मौत नहीं मांगेगा. I suggest you take it easy. Hey Duke, खुशियाँ मना दे, but never take it easy, my friend. Right, Pooja? Right, of course, right. Hey Rosie, I heard you have a new boyfriend. Mm-hmm. There. Cute, no? Not bad. Doc, I'm out of here. All right, have fun. One more round. Duke, two more rounds. You know, Duke, you're one hell of a lucky guy. तुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, कामयाबी, शोहरत और प्यार. What more can you want for in life? Touch wood. Hey Pooja, please यार, दोस्तों की नज़र नहीं लगती. What's wrong with you यार? You know, ये जो Duke है ना, Duke, have a fabulous boyfriend. Boyfriend नहीं, husband. Just. Pooja, will you marry me? तुम्हारा अपना घर, हमारा घर, और ये तो शुरुआत है. पूजा, तुम साथ दो तो देयर इज नो स्टॉपिंग. मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जो तुम्हें नहीं लगता सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है? लाइफ इज टू शॉर्ट पूजा, पता नहीं कब बिजली चमके और सब भुक. आज जी लेते हैं. आई लव यू. कबूल कर ले मौला.
महकी महकी सांसें कहती है, धड़कन बन वो दिल में रहती है। How are you doing, old woman? नालायक कहीं का। नालायक नहीं माँ, son-in-law, दामाद। सच? आपकी बेटी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अरे, ये तो शर्मा रही है। किस्मत वाली है बेटा, जिसे तुझ जैसा जीवन साथी मिला है, और मुझे जैसा बेटा। माँ, किस्मत मेरी अच्छी है, मुझे तुम जैसी माँ मिली। कम ऑन नाउ, स्टॉप क्राइंग। अच्छा ये बताओ, आप अपनी डाइट फॉलो कर रही है ना? मुझसे नहीं होता वो बिना नमक बिना मिर्ची वाला खाना। बेटा तू मेरा ऑपरेशन कर दे। जब जरूरत होगी तभी करूंगा ना माँ। तू ही करेगा ना? ऑफ कोर्स माँ, और कौन? चलता हूं। I had a great time. I love you. I told you. Bye. Good night. Hey Duke, अपना अस्पताल नहीं है, East West. So, how are you doing, bro? कितने दिन हो गए? दो. How bad is it? Not much. सर पे तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. Not at all. तो फिर हुआ क्या? कुछ खास नहीं, बस यू नो
Max. Yeah? I can't feel your hand, Max. 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 I can't move my body. Max. Max. Duke. My hands. Max, Duke. I can't move my hands. Max. Max. Duke, listen to me. What the hell is wrong with me? Duke. Max. I can't move my body. Max. What the hell is wrong with me? Duke, listen to me. What is wrong with me? Duke, listen to me. Duke, please, meri baat suno. What's wrong with me? What's wrong with me? Duke. It's spinal shock. Okay? Neck down paralysis. Spinal shock. Max. लेकिन सुनो मेरी बात. Max. तू ठीक हो सकता है. तेरे साथ फिजियोथेरेपी शुरू करने के तू ठीक हो सकता है. ठीक हो सकता है. Yes, of course. Max. Max, spinal shock, man. That means मैं महीनों या सालों तक नहीं चल सकता, Max. No, no, Duke. Hey, Duke. ऐसी बातें मत कर. या कभी नहीं. Max. Max. हम डॉक्टर्स तो जानते हैं सबसे वर्स्ट पेशेंट्स होते हैं, यू नो दैट. पूजा मैक्स, पूजा. हाँ, पूजा की यू नो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकी. शी वांट्स टू सरप्राइज यू. आई नीड टू टॉक टू मैक्स. बात करवा दूंगा. ड्यूक. नो मैक्स प्लीज. ड्यूक तुझे आराम की जरूरत है. कॉल ऑन. कॉल ऑन प्लीज. कॉल ऑन. ड्यूक. आई नीड टू हियर अ वॉइस. मैक्स. आई नीड टू हियर अ वॉइस. आई नीड टू हियर अ वॉइस. ओके. हेलो. हाँ पूजा, मैक्स बोल रहा हूँ. सुनो, एक खुशखबरी है. गुड न्यूज़. प्लीज होश आ गया. स्पीकर फोन मैक्स. हाँ स्पीकर फोन प्लीज मैन. पूजा. हेलो मैक्स. हे पूजा. हाँ. ड्यूक की हालत पर मुझे भी उतना ही अफसोस है जितना कि तुम्हें. लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है. मैं वहां नहीं आ सकती. मैं जानती हूँ ड्यूक को बुरा लगेगा. आई हैव अ करियर टू लुक आफ्टर. मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. लेकिन मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती. और ड्यूक समझ पाएगा. उसके लिए अच्छा है कि वो मुझे भूल जाए. और मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं उसे. मैक्स. ड्यूक. मैक्स. जस्ट लीव मी अलोन मैक्स. ड्यूक. मैक्स मुझे किसी की जरूरत नहीं. Duke, leave me alone. I don't need anyone. Just go away, Duke, man. Please. Just get out of here, please. Duke. I don't want anyone. Just leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. उस दिन मुझे जिंदगी और मौत के बीच का एहसास मालूम हुआ. सांसें भरना पर लाश की तरह पड़े रहने का एहसास. कामयाबी, शोहरत और प्यार कुछ नहीं था. सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा. कौन? रोशन. सबकी जिंदगी को रोशन करता हूँ. यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से. अरे इंट्रोडक्शन तो कर लो. गेट आउट. डॉक्टर ड्यूक चावला. पहली बार देखा है डॉक्टर को बेड पर. गेट आउट. खड़ूस. अरे रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नई एंट्री आई है. खबर मिली तो मिलने आ गया. हाथ पैर नहीं चलते हैं, पर गुस्से से भरा है. अच्छा बताओ, रोशनी कैसी है? ठीक है डॉक्टर स्नेहा, मैं राउंड मार कर आता हूँ. ओके. मॉर्निंग डेजी, ऑल फाइन? यस डॉक्टर. थैंक यू. अरे दया काका, वहाँ जरा ठीक से साफ करो. अच्छा. श्रीवास्तव जी. जवाब आ गया. प्रिस्क्रिप्शन 6 महीने से. एक बात बोलूं? बोल. आपकी लीक से बाहर है. प्यार की राहों पर तो
थोड़ा आराम से चलना। आवाज छोड़िए सेना साहब, इतनी अंग्रेजी तो हम सीख गए कि आपकी तो बुरा मत मानिए, छुट्टी हो जाएगी। फरमाइए। सुनिए, डोर, वॉल, ग्लास, बुक, ट्यूबलाइट, बल्ब, टेलीफोन, फाइल, फ्लोर, पेन, पेंसिल, एसी, टीवी, काउंटिंग 1 से लेकर 50, बोलिए। इनसे बड़े शब्द तो हम अक्सर बोलते रहे। क्या बात कर रहे हैं, सुनाइए। क्रोसिन, डिस्प्रिन, स्ट्रेचर, फ्रैक्चर, फीवर, मलेरिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नीडल, सिरिंज, इंजेक्शन, मेडिकेशन, मेडिसिन, केमिस्ट, ट्यूबरकुलोसिस, और सुनाओ। नहीं। हे मेट। लो रोशन। कैसे रोशन मियां? आई एम ऑलराइट मेट, यू टेल मी। हैं? टेल व्हाट मी? आह फॉरगेट इट, व्हाट्स अप विद यू ओल्ड मैन? व्हाट इज अप ओल्ड मैन? रोशन ऐसा नहीं बोलते, ओल्ड मैन तो बेचारा अभी जाएगा ना। अरे मैं तो पूछ रहा था कि आप कैसे हैं? स्टेबल, रिकवरिंग। सिन्हा साहब, जाफर भाई, देखिए कौन आया है। अरे कर्नल साहब। कर्नल साहब रीएंट्री? फिर सिगरेट पी रहे थे, रिलैप्स हो गया, मैंने शिकायत कर दी। बख्शी, तू पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अंत तक नहीं छोड़ूंगा कर्नल साहब। आपका कमरा रेडी है, चलिए। एडवाइस कि आप दवाई खा लें। ना मुझे ये दवाई चाहिए, नहीं ये खाना पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Do you get that? सबकी नाक में दम किया हुआ इस नंबर एक के पेशेंट में। नो प्रॉब्लम, डॉन साहब ठीक कर देंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर चावला। मैं घर जाना चाहता हूँ। आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेडिकल एथिक्स के नॉलेज तो आप जैसे डॉक्टर्स को जरूर होगी, घर जाने से कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकते हैं, एंड वी वोंट लेट दैट हैपन। आई एम सॉरी, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आपका घर यही है, सो इट्स माई रिक्वेस्ट, आप दवाई और खाना खा लें। दवाई और खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं घर जाना चाहता हूं। I suggest आप थोड़ी समझदारी से। Why don't you understand? I want to go home. तो उठिए और जाइए। मैं सख्ती करना नहीं चाहती। अब जो करना चाहती है कीजिए। स्नेहा। Yes, ma'am. Give him injectables. जी मैम। दवाई और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट, प्लीज। स्टॉप इट। Stop it! Hey, 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 hey! Don't! Don't do that! एप्पल नहीं पुत्र, तरबूज, वाटरमेलन। अरे अंकल इतने बड़े केले। वाहेगुरु पुत्र, वो केले नहीं है, पपाया है, आई मीन पपीता। आप बीमार हो? नहीं, मैं तो आपकी नॉलेज चेक करा था अंकल। सर वो मिलना नहीं चाहते। आपने उनको बताया कि मिस्टर बलविंदर सिंह चड्डा उनसे मिलने हैं? जी। मिस्टर चड्डा उनका पड़ोसी? जी सर, मैंने कहा था, पर डॉक्टर ड्यूक चारों ने तब भी मिलने से इनकार कर दिया सर।
मिलने से इनकार कर दिया। अंकल आप क्यों मिलना चाहते हो उस खड़ूस से? ना पुत्र, वो खड़ूस नहीं है, वो तो बड़े कमाल का बंदा है पुत्र। He is a very nice man, बड़ा ही सीधा आदमी। किसी का क्या बिगाड़ था उसने कि एक ही पल में उसकी ये हालत हो गई? सब कुछ बिखर गया उसका पुत्र। पता है दी, अकेले रह गया वो, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तू है ना सबका दिल बहलाने के लिए, कल से शुरू हो जाना। अभी जाऊं? नहीं नहीं, अभी तो सो जा। अच्छा। गॉड, सबको ठीक कर दो ना, प्लीज। आई लव यू। It's a bright sunny morning. Mal Road versus Boat Club. Mal Road has won the toss and chose to bowl. Boat Club ki team batting. Get out. Shh. Commentary chal rahi hai. Agar problem hai to kaan band kar lo. Lula Tendulkar jo bahut dino se Sachin ki t-shirt pehen kar batting ka intezar kar rahe hain, wo opening par nahi aaye. Interesting player hai. Right leg kaam nahi karta. पर खुद को सचिन समझते हैं। I said, get out. देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार जूनियर को डूक से मिलने दीजिए। सर हॉस्पिटल में पेट्स अलाउड नहीं है सर। आप मेरी बात करिए अपनी डॉक्टर केलकर से, वो खाना नहीं खा रहा यार। चड्डा साहब प्लीज। मैम एक विजिटर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। शी इज कमिंग। Thank you very much. Yes, ma'am. Hello, doctor. Hello. I'm Dr. Max, Maximilian Fernandez. और ये हैं चड्डा साहब, ड्यूक चावला के पड़ोसी। डॉक्टर साहब, दरअसल बात ये है कि ड्यूक की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है जूनियर, उनका पेट डॉग। और जब से ड्यूक यहाँ है, जूनियर ने कुछ खाया नहीं। अब आप तो जानती कि ड्यूक को हम बाहर तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार हम जूनियर को यहाँ ले, बस सिर्फ एक बार। देखिए डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल में पेट्स अलाउड नहीं है, इसे जर्म्स और इन्फेक्शन का डर बनता है। मैडम सिर्फ एक मिनट प्लीज, सिर्फ एक मिनट के लिए, मैं अपने हाथों से फर्श में पोछा लगा दूंगा। आप बस सिर्फ एक मिनट के लिए जूनियर। प्लीज मिस्टर चड्डा, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, पेशे से मैं भी एक डॉक्टर हूँ। फिर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप दोनों अगर चाहते हैं तो मिल सकते हैं। जी कोई गलत होती है जी? चड्डा साहब मैं भी समझता हूँ, लेकिन नहीं सर, ये कोई तरीका नहीं है जी। चड्डा साहब देखिए, अस्पताल की कुछ जी, अगर एक मिनट के लिए मिलने देते तो क्या बिगड़ जाता उनका? कुछ नियम है, अब क्या करें? ओ जी सिर्फ एक मिनट। कुत्ता, ओए आप अपना काम करो जी। चड्डा साहब इसे क्यों डांट रहे हैं आप? ओहो, यहाँ पे एक ही शख्स है जो आपका काम करवा सकता है। आपको यकीन है कि डॉगी उनको देकर खाना खा लेगा? हाँ पुत्र, मुझे पूरा यकीन है, वो उसको देखे बगैर ना खाने को हाथ नहीं लगाएगा। और खड़ूस डॉगी को देख कर खाएगा? पुत्र बहुत प्यार करता है वो जूनियर को, उसके लिए वो जरूर खा लेगा। अच्छा एक काम करो, पहले तो ये रेडियो पॉकेट में रख लो। पुत्र ये रेडियो नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल नॉलेज चेक कर रहा था अंकल। बड़ा कमाल का बंदा है ये। नॉटी बॉय। हेलो ईस्ट वेस्ट, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? रोशन मैं का क्या? I am calling from Standard Bank. आपके लिए 15 लाख वाले क्रेडिट कार्ड की स्कीम है। 15 लाख? हाँ। वैसे आपके पास और कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है? Let me check. सिन्हा साहब, ये ECG मॉनिटर्स आप कहाँ लेके जा रहे हैं? पेशेंट के लिए। ओहो आप भी ना सिन्हा साहब, पेशेंट सेकंड फ्लोर पर आने वाला है, आप फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहे हैं। ओहो
सोच रहे हैं? डॉक्टर साहब वो उम्र ज्यादा हो गई ना, तेने कुछ याद नहीं रहता। चलिए सिन्हा साहब, चलिए जल्दी करिए, पेशेंट सेकंड फ्लोर पर आपका वेट कर रहा है। हाँ, चलिए जाइए। डॉक्टर सिन्हा, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। अरे नहीं नहीं, क्या कर्नल साहब फिर से सिगरेट पीते हुए पाए गए? व्हाट, ओ माय गॉड, आइए प्लीज आप सेकंड फ्लोर। चलिए मेरे साथ। क्या हो रहा है? कम ऑन यू गाइस, रूम नंबर 5। ओ माय डॉग, डॉक्टर आंटी ये डॉगी को ऊपर लाना चाहते थे। मैंने समझाया कि अच्छी बात नहीं है, इससे जर्म्स और इन्फेक्शंस फैलते हैं। ये मान गए, ड्यूक चावला से मिलने आए हैं। अच्छी बात है, मिल लीजिए। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। चावला साहब, आप हमसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, और ये तो आपका बेटा है, उसने 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। जब भूख हद से बाहर हो जाएगी तो खा लेगा। और जी वो मर जाएगा पर खाना नहीं खाएगा। तो वही सही। आई हेट हिम दी, जूनियर मर जाएगा पर खाना नहीं खाएगा। दी, उसे अकेला रहना चाहिए, जो किसी से प्यार नहीं करता उससे कोई प्यार नहीं करेगा। आई हेट हिम दी। रोशन, ऐसा नहीं कहते हैं, जो इंसान खुद से इतनी नफरत करता है वो दूसरों से क्या प्यार जताएगा। मॉर्निंग डॉग, नीड रूम, nice sunlight, flowers for you. Hey doc, guess what, naya boyfriend bana hai. Abhi 2 din pehle hum date pe gaye aur shaadi ki date bhi fix ho gayi hai. BMW hai uske paas, aap jaisa nahi hai par kuch kuch aap jaisa hi hai. Hey Rosie, guess what, kaun akela reh gaya? कौन? मैं। She left me. चावला ठीक नहीं है, न खाते हैं न पीते हैं, आप तो जानती हैं वो किस तरह के इंसान है। आप एक बार उनसे मिल लेती तो? एक बार मिलने से क्या होगा रोजी, वो फिर से खाने लगेगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं जानती हूं तुम लोग समझते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मतलब इंसान हूँ। बेटा, सब ड्यूक की भलाई के लिए। माँ, क्या मैं ड्यूक की भलाई नहीं चाहती, मैं उसे प्यार करती हूँ। ठीक है रोजी,
मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल पड़ती हूँ, उसे मिलती हूँ। मैं उसे अपने साथ घर भी ले आऊँगी, पूरे मन से उसकी देखभाल करूँगी। लेकिन ड्यूक के बारे में सोचो, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। वो खुद को एक बोझ समझने लगेगा, कभी मेरी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम भी तो उसे जानती हो माँ, सारी उम्र से रुलाने से बेहतर है कि मैं आज उसका दिल तोड़ दूं। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं इतना जानती हूं, एक इंसान जिसे जिंदगी से बहुत प्यार था, आज वो अपनी सांसों से नफरत करने लगा है। आज का हाल, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा शादी को 15 साल हो गए, पर अभी भी उनकी लव स्टोरी उतनी फ्रेश है। रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, कल भी हुआ था, और अभी देखो मिसेस शर्मा मिस्टर शर्मा को गाड़ी तक छोड़ने आए, हाथ में लंच बॉक्स दिया, किस किया, आहा, टू गुड, इसे कहते हैं लव मैरिज। और ये वीर भैया, इनका सोनल दी के साथ पक्का अफेयर चल रहा है। तुझे दूसरों की लव स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है, आपकी भी है क्या कोई? By the way, तब ये ठीक है? आज क्या हो गया? Get out बोलो ना, चिल्लाओ, चिल्लाते क्यों नहीं? थक गया। तुझे कैसे पता उनके बीच अफेयर चल रहा है? वीर भैया अपनी बाइक लेकर सोनल दी के घर के बाहर 3 बार हॉर्न बजा रहे हैं। सोनल दी खिड़की पर आई, इशारा किया। वीर भैया अपनी बाइक लेकर कॉर्नर में खड़े हो गए। सोनल दी स्टेज से उतर कर आ रही है, गेट के बाहर आई और वो वीर भैया की बाइक पर बैठकर चली गई। अब बोलो। हंसना आता है, दी सही कहती है। ये दी कौन है? मेरी बहन रोशनी। चेस खेलोगे? मैं लेकर आता हूँ। रोशन और रोशनी, तो माँ का नाम ट्यूबलाइट होगा और पापा का बल्ब। ए, पापा का नाम सूरज और मम्मी का नाम चांदनी, आपका फ्रॉस्ट, मेरा क्रिस्टल। बड़ा ब्राइट परिवार है। वैसे तो हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? आपकी चांस, ये घोड़ा चलता हूँ। रोशनी दीदी की तबीयत खराब है, मेरी छुट्टियां चल रही है, तो मम्मी पापा ने कहा रोशन तुम दी के पास रहो। मैं यहाँ उनका साथ देने के लिए उनके पास आया था, पर अभी हॉस्पिटल मेरे बिना नहीं जा सकता। तेरी दी को क्या हुआ? उन्हें कैंसर है, बोन मैरो में, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स इसे टर्मिनली इल कहते हैं। आपका वजीर चलता हूँ। अरे आपका राजू तो अकेला रह गया। ये मेरी रानी यहाँ और चेकमेट। आपको खेलना नहीं आता, आपने बताया क्यों नहीं? चावला साहब, आपसे मिलने कोई मिस्टर शाह है, भेज दूं? हाँ हाँ भेजो भेजो। ठीक है, मिलने आए हैं। नमस्ते। क्या मैं आपको जानता हूं? जी नहीं, वो उस रात आपकी कार को पीछे से वो मेरा बेटा चला रहा था। मैं यहां पर आपसे, लेकिन आपके हालत देखकर आ,
आपसे कुछ मदद मदद के लिए। देखो बेटा, जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता। चेतन की गलती की वजह से केस फाइल हुआ है। आपके इंश्योरेंस वालों ने केस तो फाइल कर दिया, लेकिन मैं ही जानता हूं बेटा, चेतन के इंश्योरेंस की इतनी भी कीमत नहीं है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हर रोज उनके चक्कर काटते काटते मैं थक जाता हूं बेटा। वही सवाल वही जवाब। क्या चाहते हैं आप? स्टेटमेंट। क्यों मुझे यहां पहुंचाने के लिए क्यों माफ करो? काटिए चक्कर, बाहिए पसीना, गवाइए अपने मेहनत की कमाई, और जब हड्डियां साथ ना देना तो व्हीलचेयर पर जाना। मुझे आप पर कोई दया नहीं आ रही मिस्टर शाह। अब जा सकते हैं। बेटा, जाते जाते मैं चाहूंगा एक एहसान मुझ पर कर दो, बस उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो जो इस दुनिया में नहीं है। शैतान ने उसी रात दम तोड़ दिया था बेटा, उसी रात। लकी काय मुझे बेहतर हाल में होगा। हर पल मरने का दर्द एक बार मरने से बड़ा है। आप जा रहे हैं मिस्टर शाह, थोड़ी देर रुक कर जाइए, देखिए कैसे एक इंसान हर पल मरता है। मिस्टर शाह, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिस्टर शाह, मैं आपके बेटे से जगह बदलने के लिए तैयार हूं। बुला लीजिए अपने बेटे को, बुला लीजिए। कम बैक मिस्टर शाह, कम बैक। मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं। रेडिएशन रूम गया है। डॉक्टर चावला, आपके अकॉर्डिंग एक जूनियर डॉक्टर अकेला कब ऑपरेट कर सकता है? जब उसके हाथ ना कांपे, तब। मतलब मैं तैयार हूं, बस एक मौका मिल जाए ना, फिर सबको दिखा दूंगी एंड आई कैन डू इट। थैंक यू डॉक्टर, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर, मॉर्निंग। सर ड्यूक, What's happening? अच्छा सुन, मैंने तेरे डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर केलकर कह रही हैं कि स्टेम सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, और फिर फिजियोथेरेपी तो शुरू कर ही रहे, सो इट्स लुकिंग गुड। या क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? Hey, I've got all the time in the world. Thanks. Yeah. स्टेम सेल्स तो बहुत दूर की बात है, और फिर एक पत्थर पर क्या फिजियोथेरेपी करेंगे? कोई और अच्छी खबर सुना? वेल, यू नो ड्यूक, एएमए ने फंडिंग कैंसिल कर दी या घर चला गया। दो ही तो चीजें बची थी। ड्यूक, वो जो बिल्डर ने एडवांस वापस किया था ना, वो मैंने तेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक और एहसान कर देना मुझ पर। एनीथिंग यू से, बोल लो। इस ट्यूब में थोड़ी सी केसीएल डाल दे। देख मैक्स, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता।
थोड़ा पोटेशियम क्लोराइड डाल देना। मैं 2 सेकंड में इस दर्द से दूर चला जाऊंगा। प्लीज मैक्स, ट्रस्ट मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शट अप ड्यूक, यू आर अ डॉक्टर फॉर गॉड्स सेक। फॉर गॉड्स सेक मैक्स, प्लीज प्लीज। लुक लुक ड्यूक, दुख दर्द में इंसान कभी कभी अपनी जीने की उम्मीद खो देता है। ये तूने ही मुझसे कहा था, और आज ड्यूक तू ही अपनी उम्मीद खो रहा है। ओ कम ऑन ड्यूक, कम ऑन प्लीज। कहना आसान है मैक्स, देख मुझे, देख मुझे। ये बेड मेरा घर है और ये कमरा मेरी दुनिया। मेरे पास कुछ नहीं है मैक्स, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, तो मैं जीकर क्या करूंगा? लेकिन लेकिन यू गोना बी फाइन, तू ठीक हो जाएगा यार। थक गया हूं मैं ये सुन सुन के। नो नो रियली, थक गया हूं मैक्स, थक गया। Just leave me alone. Duke, please. Duke. Go away, Max. Just go away. पल पल मरता था मैं, और एक छोटी मौत के बाद फिर से जीवन के सामने खड़ा कर दिया जाता था। फर्स्ट क्लास में मिला था, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। सच में? You're so brave. Next time थोड़ा दूर तक पहुँचना पड़ेगा। अब कहो तो बोतल में पास में रख दूँ? मजाक उड़ा रहा है। मजाक तो आप उड़ा रहे हो, अपनी लाइफ का। कैसी लाइफ? इसे जीना नहीं कहते। तो फिर जीना किसे कहते हैं? आपके सामने तो पूरी जिंदगी खड़ी है। एक टर्मिनली इल पेशेंट से पूछिए, वो बताएगा जीना किसे कहते हैं। वो जानता है कि वो कभी भी जा सकता है, पर मुस्कुराहट के साथ जीता है हर पल हर दिन। बस एक इच्छा होनी चाहिए। किस लिए? अपने आप के लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन आप पे तो 10 और लोगों की आशाएं हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर हार मान लेगा तो
तो आपका काम मजाक बन जाएगा। डॉक्टर ड्यूक चावला, आपको दूसरे के लिए भी जीना है। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे हाथ नहीं चलते, पांव नहीं चलते, सिर्फ इन दीवारों पे चढ़ा हुआ सफेद रंग दिखाई देता है। तू नहीं समझेगा रोशन, इस उम्र में अपने बेड पे टॉयलेट। बच्चा भी तो अपने बेड पर शिशु पोटी करता है ना, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, टॉयलेट जाना सीखता है। आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, पर सांसें तो चल रही है ना, दिल और दिमाग तो चल रहा है ना। आपके दिल और माइंड से पूछिए क्या सही है, आपको जो सही लगता है वही कीजिए। इस हाल में कुछ सही नहीं लगता। पुलूला टेंडुलकर याद है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो भी क्रिकेट खेलना छोड़ सकता था, पर नहीं, वो रोज फील्ड पर आता है, पूरा दिन बैटिंग के इंतजार में फील्डिंग करता है। लोग उसके दौड़ने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो बुरा नहीं मानता है। सिर्फ इसी उम्मीद में हर सुबह वापस उन्हीं लोगों के बीच में आता है कि एक दिन उसके हाथ में बैट आ जाएगा और वो सबको दिखा देगा कि उसे भी खेलना आता है। और यकीन मानिए, एक दिन उसकी बैटिंग जरूर आएगी। ये आपका मेडल, और हाँ, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया था, ना ही आपका मजाक उड़ाने। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको वो दे रहा हूँ जो आप खो चुके हो, उम्मीद। उम्मीद, क्योंकि उम्मीद में दुनिया कायम है। रोशन, ए रोशन, सिन्हा अंकल कह रहे थे कि खड़ूस तुझे बुला रहा है। मेडल तो नहीं खा गए? ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं दी, वो कुछ भी कर सकते हैं, जाकर देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है उनकी। आधा घंटा लेट, ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर रोशन? देख क्या रहा है? चल बाहर का हाल सुना। गुड मॉर्निंग सिद्धू, इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, माल रोड वर्सेस बोटला। लूला खेल रहा है क्या? उसकी टीम की बैटिंग है, बेचारा बैठा है कोने में। ओ सिद्धू, आज बॉलिंग काफी फास्ट है, मारुट के 7 विकेट गिर चुके हैं और जीतने के लिए सिर्फ 6 ही रन चाहिए। और ये आउट। सिद्धू, कोई विशेष टिप्पणी? 6 रन और 2 विकेट, मुश्किल है रोशन। दे आर फॉलन लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। और ये बोल्ड, लास्ट 5 मिनट लेफ्ट। लूला रहा क्या? ओहो, लास्ट बैट्समैन तो पहले से इंजर्ड है, लूला टेंडुलकर। बेसबॉल को फेस कर रहा है? ऑफ कोर्स सिद्धू। और ये पहली बॉल बाउंसर, लूला झुकने पर उसके मुंह पर। ओह, दैट्स अ नास्टी ब्लो। वो उठेगा? वो नीचे गिरा है, टीम के लोग उस पर हंस रहे हैं, और ये वो खड़ा हो रहा है। देखना अगली बॉल ग्राउंड के बाहर। वापस पोजीशन में, सब की ऐसी गई, बॉलर अपना रन अप ले रहा है। He reaches the crease and bolts. It's a full pitch at the off stump. Lula swings his bat and that's a 6. Bowler has won. We have won. Unbelievable, uncle. Lula is 6 for uncle. कैसे? क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो जैसे लोगों की आशा है उसे, वो हार कैसे मान लेता? चलो रोशन, ट्रिप टाइम। अरे सिन्हा साहब, ट्रिप क्यों लगा रहे हो? आज डॉक्टर चावला खाना खाएंगे। नहीं रोशन, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या 15 लाख का लिमिट अप्रूव हो क्या?
मैडम सुनिया, कर्नल साहब फिर से सिगरेट पी रहे हैं। What? Oh my God, nurse, come on, पता नहीं क्या हो गया है इनको। डॉक्टर साहब, ये ड्यू की कंडीशन आज कुछ बेटर नहीं लग रही थी। चड्डा साहब, मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चल सकता है। चल शुरू कर, चल शुरू कर। हे जूनियर, माफ कर देना, बहुत भूख लगी है। प्लीज साहब, गेट वेल सून। चड्डा साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरे जूनियर का ख्याल रखा। बेटा है जी मेरा। अरे अंकल, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री। ओ पुत्री, ये बुके है। नॉलेज चेक करा था अंकल। बड़ा कमाल का बंदा है जी ये। कुछ भी कर सकता था रोशन, मैं फिर से जीना चाहता था, सांसें भरना चाहता था। झलकने लगी मेरी आंखों में भी, हाइन में छुपी थी जो शरारतें कई,
झलकने लगी मेरी आँखों में भी इनमें छुपी थी जो शरारतें कई खुद से हंस के मिलूं मैं हर सुबह सभी हैरान हैं ये उन्हें क्या हुआ शायद वो ये जानते हैं तुम साथ हो मेरे शायद वो ये जानते हैं तुम साथ हो मेरे मेरी खुशी में देखो वो भी शामिल हो चले आज आसमां कुछ और नीला लगे सूरज का चेहरा भी कुछ और रोशन सा लगे कर्नल साहब नहीं दिखाई दे रहे आजकल उन्हें छुट्टी मिल गई अच्छा रानी चल लिखा था रानी वजीर नहीं रानी रानी लाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा ना चीटिंग करता है लो खुद ही ला लो हिलाओ ना खेलो बदमाश रोशन तूने मुझे बहुत कुछ दिया बस बस मुझे भी कुछ चाहिए अच्छा ऑफ कोर्स फ्री में कुछ नहीं होता अगर मेरे बस में हुआ ना तो जरूर दूंगा बिल्कुल है बस में तो पोत क्या चाहिए तुझे उस रात बारिश हो रही थी अपनी दुनिया में खोया हुआ मैं घर की तरफ ड्राइव कर रहा था रास्ता खाली था सिग्नल ग्रीन अचानक से एक बच्चा रोड क्रॉस करने लगा उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक दबाए शायद पीछे से आती हुई गाड़ी का कंट्रोल नहीं रहा होगा बाकी आप सब जानते हैं इस सब के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता इट वॉज एन एक्सीडेंट आई होप इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह स्टेटमेंट काफी है जी थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दर्द से बड़ा किसी और का दर्द भी हो सकता है एक माफी किसी को इतना सुकून दे सकती है मुझे पता नहीं था मैंने माफ करना भी सीख लिया था कद से काफी ऊंचा था और यह हॉस्पिटल सच में उसके बिना नहीं चल सकता था मिस्टर मूर्ति यस मैम मुझे बोर्ड मीटिंग के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए हियर यू आर मैम सारे पेशेंट्स के अकाउंट्स क्लियर हैं मिस्टर पांडे मैम रूम नंबर 4 छोड़कर सारे अकाउंट्स क्लियर हैं रोशनी और रोशन जी मैम प्रॉब्लम क्या है मैम आउटस्टैंडिंग 1,90,000 और जी मैडम मेरा कुछ ज्यादा नहीं है कितना है श्रीवास्तव यही कोई 60,000 बस मतलब 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है मैम वो रेडिएशन इंक्लूडेड नहीं है किसी ने पेरेंट्स से बात की जी मैम मेरी कल ही उनसे बात हुई है वो 1 महीने की मोहलत मांग बोर्ड मीटिंग आज है मिस्टर मूर्ति जी मैम इस केस में हमने पहले से बहुत लीनियंसी बरती है और बोर्ड को हमेशा से ही नामंजूर था
आई थिंक दैट्स इट। स्नेहा, पेरेंट्स को फोन करो और कहो रोशन और रोशनी को यहाँ से ले जाएं। हेलो पापा। हाँ पापा। ओके पापा। हाँ पापा। क्या बात हो रही थी फोन पे? होली मनाने घर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हैं? क्या बात है भाई? झूठ बोल रहा है। माँ बाप से पैसे नहीं दिए गए इसलिए घर भेजा जा रहा है। क्या कहा पापा ने? कपड़े पैक करने के लिए कहा। दी, होली आने वाली है, घर में ही मना लेंगे। आपके फ्रेंड्स आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसे पापा कह रहे थे। जल्दी से कपड़े पैक कर लो, पापा लेने आएंगे। रोशन, पापा के पास पैसे नहीं है ना? तुम रो मत दी, पापा मेहनत कर रहे हैं, मम्मी भी, और हम दोनों है ना एक दूसरे का साथ देने के लिए। दी, तुम्हें घर की याद नहीं आती? मुझे तो बहुत आती है। चलते हैं। Any progress, doctor? Muscles respond कर रहे हैं और reflexes भी शुरू हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर स्नेहा थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जी। क्या बात है? आज इस हॉस्पिटल में कोई हंस नहीं रहा? रोशन चला गया क्या? जा रहा है। घर पहुंच के फोन तो करेगा ना? बिल्कुल करूंगा। रोशनी, अपना ख्याल रखना। आप सब होली मनाने घर आएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा। पापा आ गए। स्नेहा जी, तुमने इनके पेरेंट्स से बात की? जी वो जस्ट अ मोमेंट डॉक्टर। डॉक्टर केलकर, पेरेंट्स से बात हो चुकी। आपने कहा था रोशन के पापा को बिल्स पे करने होंगे। रोशन के पापा ने बिल्स पे कर दिए। डॉक्टर, अब आपके बॉर्ड को नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, कोई नहीं जा रहा है। जाफर साहब, शैल वी टेक हिज लगेज इनसाइड? हाँ, टेक टेक। एक घंटा लेट, ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर रोशन? सोच क्या रहा है? बहाना? इतनी जल्दी जा रहा था, अब तो मेरी फिजियोथेरेपी भी शुरू हो गई है। एक दिन मैं तुझे बाहर का हाल सुनाऊंगा। थैंक यू। बस बस, फ्री में कुछ नहीं होता, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? अपनी दी रोशनी से कब मिलाएगा? तो सो गए। तो ये है खड़ूस? हाँ, डॉक्टर दानिश कृपाल चावला, स्टाइल मारने के लिए ड्यूक चावला। इनके बाल इतने लंबे क्यों हैं? कहाँ ना, बहुत स्टाइल मारते हैं। दी, एक्सीडेंट से पहले ये कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे। अमेरिका के डॉक्टर्स इनसे बहुत खुश हैं।
डॉक्टर स्नेहा कह रही थी ये कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब अगर ये रिसर्च पूरी कर ले तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स बेचारे नहीं कहलाएंगे, ऐसा ये कहते हैं। उठाऊं? नहीं नहीं सुने दे, चल। ठीक है। थैंक यू सेना साहब। जी काम है मेरा, पर अचानक ये पढ़ाई का शौक कैसे? करना है किसी के लिए। कीप इट अप। अरे रोशन, ये तेरे नंबर एक का दिमाग खराब हुआ क्या? क्यों? सीना साहब लाइब्रेरी से काफी सारी किताबें लेकर गए हैं उसके लिए। किताबें? मेरी समझ से तो बाहर है भाई। डॉक्टर चावला आसान नहीं है, डोंट पुश इट टू मच। आई सजेस्ट आप बात मान ले। नहीं होगा डॉक्टर, अगर आप कहें तो मैं बुक खोल कर दे देती हूँ। नहीं, कभी तो खुद खोलना पड़ेगा। अब सही कह रहे डॉक्टर, मुझे नहीं होगा। आई एम सॉरी। आपने कोशिश तो की। किस काम की? छोड़िए, मूड बदलते हैं। भारकाल सुनाओ। लगता है सब लोग होली की तैयारी में जुटे हैं। बाहर कोई नहीं है, बस एक डॉगी दिख रहा है नाले के पास, जो एक पैकेट देख रहा है। मुझे लगता है उस पैकेट में खाना रखा है। डॉगी सिर्फ खाने को देख रहा है, पर खाना थोड़ा दूर है, नाले के उस पार। लगता है डॉगी झुककर सोच रहा है कि वो नाला कैसे पार करेगा। कोशिश कर रहा है अंकल, और उसका ध्यान सिर्फ खाने पर है। उसने अपने पैर हिलाए, कोशिश की आगे जाने की। ओहो, वो डर गया, पीछे हट गया। अंकल बहुत मुश्किल है नाले के उस पार पहुंचना, लेकिन डॉगी हिम्मत नहीं हारा। अंकल वो दौड़ रहा है पूरे जोश में, फुल स्पीड, नजर सिर्फ खाने पर। अंकल पूरी ताकत और पूरे जोश में उसने जंप मार दिया। अंकल जंप मार दी। कम ऑन। यस। बस थोड़ा सा दूर, अंकल वो नाला क्रॉस कर गया। अंकल वो नाला क्रॉस कर गया। वो घर से पहुंच गया। अंकल वो घर से पहुंच गया। कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
एन इमरजेंसी. ओके 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 ओके. क्या हुआ? डॉक्टर कुमार तो शहर से बाहर हैं और उन्हें आने में एक घंटा भी लग सकता है. पर उतना टाइम नहीं है हमारे पास. डॉक्टर केलकर को इन्फॉर्म करो, दूसरे हॉस्पिटल्स में कॉल करके पूछो, सर्जन्स के लिए रिक्वेस्ट करो. ओके ओके. हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट. आपके हार्ट सर्जन ड्यूटी पर हैं, एक हार्ट अटैक केस है. कमलेट सारी आप. यस यस यस. पेशेंट कैसा है? नॉट गुड डॉक्टर, वी नीड टू डू द सर्जरी इमीडिएटली. अभी डॉक्टर कहाँ से लाएं? मगर वो मूर्ति सर, मिनिमम एक घंटा तो लगेगा किसी भी सर्जन को आने में. ओह नो. सर, फैमिली से कहकर पेशेंट को शिफ्ट करवा दे. डोंट बी फुलिश डॉक्टर स्नेहा, टाइम कहाँ है? मैं कुछ कहूँ? पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सर, आपने इतनी सर्जरीज की हैं, आप लोग सब मेरी हालत जानते हैं. मैं कोई जादूगर नहीं जो इस हाल में ऑपरेशन या सर्जरी कर सकूं. मॉनिटर सर्जरी सर, आपकी तो स्पेशलिटी है. Why don't you understand? I'm a patient here, not a doctor. मुझसे ये नहीं होगा. तो कौन करेगा अंकल? अगर कल मुझे कुछ हो गया और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कर सकता. मैं दर्द से रोता रहूंगा, तब भी आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता. आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा अंकल? आप एक डॉक्टर हैं और पेशेंट्स के लिए डॉक्टर तो भगवान ही है ना. Set up the monitors and prepare for surgery. Thank you, sir. Dr. Sneha. Yes, doctor. आप मेरे हाथ बनेंगे. मैं डॉक्टर? मुझे तो लगा आप तैयार हैं. Okay, doctor. We are sorry for the delay. Have it. Don't worry. शहर का बेस्ट सर्जन आपकी मदर की सर्जरी कर रहा है. So relax. Nervous? A bit. Don't be. Check the oxygen level. Sneha, make an incision in the center of the chest. Okay. Scalpel. Make another insertion in the aorta. Doctor, heartbeat. Doctor? Bring the heart-lung machine in order. Insert the tube in the right atrium. Position the new valve. Check levels. Okay. Sneha, what are you waiting for? Stitch her up and celebrate. आपको आपकी पहली सर्जरी मुबारक हो. Oh, thanks to you. Excuse me, ma'am. Yes. She is safe. क्या मैं इस डॉक्टर को मिल सकती हूँ? आंटी आइए ना, मैं मिलवा देता हूँ, वो मेरा दोस्त है. अच्छा, कम. आइए 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 ना आंटी, ये है डॉक्टर ड्यूक चावला. तुम्हें यह देखकर अच्छा लगा. मुझे भी ड्यूक. पहले देखना था, अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ. I'm happy for you. तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, उनकी चिंता मत करना. उनसे कह देना
कि ऑपरेशन के वक्त मैं उनके साथ था, उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू ड्यू। अंकल आप जादूगर हो। ये सब तेरी वजह से रोशन। बस बस मुझे भी कुछ चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होता। बोल क्या चाहिए? छुट्टी, मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जाना पड़ेगा। वापस कब आएगा? जल्दी, बस पास हो जाऊं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ए रोशन, जब तू वापस आएगा ना, तेरे लिए दो सरप्राइजेस रेडी रहेंगे। पक्का? पक्का। डॉक्टर चावला, ये वॉकर आपको मोटिवेट करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप चले। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है डॉक्टर चावला। जस्ट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। मिस्टर सिन्हा प्लीज। अब धीरे से अपने पैर नीचे लगे। डोंट वरी, हम आपको पकड़े हुए। धीरे से अपने पैरों को फ्लोर पर टच करने की कोशिश कीजिए। अब अपने बॉडी वेट को अपने पैरों पर डालने की कोशिश कीजिए। Hey Duke, what's happening? Max, तू यकीन नहीं करेगा। What? It's so simple. वो देख। If we combine the molecular cells together, we can stop the depletion of the red blood cells. And if we can control that, we can stop the multiplication of the cancerous cells. That's it, Max. That's it. All we have to do now is to operate and remove the cancerous tumor. And the cancer is gone, Max. Are you listening to me? The cancer is gone. Just listen to me, Max. Duke. Call AMA right now. Call them up right now. Duke. What, Max? What? Tum. Hey, hey. दीवार कब बनी? साहब ये दीवार तो यहाँ पे हमेशा से है। नहीं, यहाँ तो एक मैदान था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, और वो नाला, और वो साहब यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं था। नहीं, और इस दीवार के पीछे ना तो कोई मैदान है, ना तो कोई कॉलोनी, बस एक जंगल है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, रोशन है तो? रोशन कहाँ है? रोशन चला गया। उसे फोन लगाओ, उसे कहो कि मैं उसे बात करना चाहता हूँ। उसे कहना चाहता हूँ कि रोशनी के कैंसर का इलाज हो सकता है। प्लीज डॉक्टर स्नेहा, कॉल हिम राइट नाउ। डॉक्टर चावला, रोशनी को कैंसर नहीं है, कैंसर तो रोशन को। कहाँ है रोशन? रोशन चला गया हमेशा के लिए। कल रात उसकी आखिरी रात थी।
उसे झूठ का बाकी झूठी कहानियां सुनाता रहा ताकि मैं ठीक रहूं। उसने मुझे कहा था रोशनी को कैंसर, समझ ही नहीं पाया, चला गया वो, चला गया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा, ऐसा उसने क्यों किया, क्यों किया ऐसा उसने, क्यों किया? शायद ड्यूक रोशन नहीं चाहता था कि तुझे पता चले और तेरी हिम्मत टूट जाए। डॉक्टर चावला, ड्यूक रोशन के मम्मी पापा आइए। जी मैं सूरज शर्मा और ये मेरी पत्नी चांदनी शर्मा, रोशन के मामी पापा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, शादी को 15 साल हो गए पर अभी भी उनकी लव स्टोरी उतनी ही फ्रेश है। आपने रोशन के लिए बहुत कुछ किया, उसे तो हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। अगर ऐसा होता तो रोशन दर्द से तड़पता, लेकिन आपकी वजह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और वो इस दुनिया से शांति से चला गया। रोशन के सारे दोस्त और रिश्तेदार आपसे मिलना चाहते हैं, उसने आपसे मिलने ही नहीं दिया, कहता रहा बाद में मिलवाऊंगा। आज वो रोशन को आखिरी बार देखने आए हैं, आपसे भी मिलना चाह। पुलुला टेंडुलकर याद है, राइट लेग काम नहीं करता पर खुद को सचिन समझते हैं। जी मैं वीर, रोशन का कजन भाई, और ये मेरी पत्नी सोनल। बस थैंक यू कहना चाहते थे आपको। और ये वीर भैया, इनका सोनल दी के साथ पक्का अफेयर चल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी रोशन के ट्रीटमेंट पर, इसी उम्मीद में कि कुछ चमत्कार हो जाए। रोशन को काफी उम्मीदें थी आपसे, अपने लिए नहीं। वो जानता था कि आप कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। वो हमेशा कहता था कि एक बार ड्यूक अंकल ठीक हो जाए तो आप जैसे मम्मी पापा रोएंगे नहीं। चलता हूं, रोशन को ले जाना। ड्यूक अंकल, आज का हाल, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब आप सच जान चुके हो। मुझसे नाराज मत होना, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, बस सच छिपाया। आई एम सॉरी। अच्छा मेरे सरप्राइजेस, लेट मी गेस, पहला अब अपनी रिसर्च पूरी करेंगे और दूसरा अब अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे, तो बताइए
हुई रिसर्च पूरी? क्या आप चल पाए? कहिए ना ड्यूक अंकल, बोलिए ना। हाँ रोशन, ड्यूक अंकल तो क्या हुआ अगर आप मुझे बचा नहीं पाए? आई एम श्योर आपके होते हुए मेरे जैसे बहुत रोशन बच जाएंगे। आई लव यू ड्यूक अंकल। रोशन भूल गया, मैं पूजा आंटी को बाय कहना भूल गया, अब कह दोगे प्लीज मेरे लिए? बहुत कुछ सिखा गया रोशन, छोटी छोटी चीजें जो इंसान उम्र के साथ भूल जाता है, मुस्कुराना, दूसरों के लिए जीना और माफ कर देना। कौन है? रोशन और कौन? लेट मी स्लीप। पापा उठो 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 ना, मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है, हमें साइकिलिंग पे जाना है। बस थोड़ी देर और। नहीं नहीं नहीं। रोशन पापा उठे या नहीं? नहीं मम्मी नहीं उठ रहे। तू भी सो जा। Come on, sleep. Duke, come on, get up. Pooja, देखो ना यहाँ क्या हुआ है, just over here, see. Yeah. Come on now, let me sleep. Oh. पैसे के इस संसार में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक कमाने वाले और दूसरा खर्च करने वाले। लोग इन्हें पति पत्नी के नाम से भी जानते हैं। शादी जिंदगी का ऐसा मोड़ जहां एक कमाने वाले को एक खर्च करने वाला मिल जाता है, और कुछ लोग तो कमाते ही शादी से हैं, जैसे हमारे चंपकलाल देसाई। आज तक 475 शादियां करवा चुके हैं, 500 भी करवा चुके होते, मगर जब से अपने बेटे को जॉइंट वेंचर में लाए हैं, उसने कई शादियों के जॉइंट्स खुलवाए हैं। उसे भी मिलवाते हैं आप अभी थोड़ी देर में। बेटा तो खुश तो है ना इस शादी से? जी पापा। अरे बिटिया रेडी टू गो टू मंडप। चंपकलाल जी, क्या लड़का बताया है आपने, क्या कुंडली मिली है दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद तो ऊपर वाले का, मगर लगता बारात आ गई। चलो चलो चलो। एक मिनट। अंकल जी थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की, अगर आप नहीं होते तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाता। अरे बेटा मैं तो कहता हूँ कि कुंडली मिले या न मिले, दिल मिलना बहुत जरूरी है। जी अंकल जी। और शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है। हाँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है अंकल जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यह है मनसुख देसाई, अपने चंपकलाल देसाई के सुपुत्र। धूम मचावे रंग जमावे जी 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 रे। ये मंडप में ले जा। जी जी हाँ। हाँ जिग्नेश बोल, शू बात करे छे? लड़का तो अच्छा है, कुंडली नहीं मिलती मैं मिलवा दूंगा। ऐसा झूठ, कुंडली मिले ना मिले दिल मिलने चाहिए बस। एक बात बताऊं, आज जो मैं शादी करवा रहा हूँ ना, उसमें लड़की का बाप लव मैरिज के सख्त खिलाफ था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नाटक किया कि लड़की का बाप समझता है कि ये सब अरेंज मैरिज है। अब शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना जोड़ तो चलता है ना। तू फिकर मत कर, मैं सब सेट कर दूंगा, पची बात करू चुआ।
अरे बजाओ ना, शादी ब्याह का मामला है। आपके बजाना से तुमने तो सबकी बजा दी। हे पिपुड़ी बगाड़ी ना की ढोल मारो फाड़ी ना, क्यों मनसुखी आते हा। चंपक लाल, ये शादी नहीं होगी। सुख भाईनी तो भरे लागी गई हो। लागी गई बैंड के साथ गाके बोलते ने नाटक किया डफोर संग। मैं 500 शादियां नहीं करवा पाऊंगा, मगर तू 500 शादियां तुड़वाएगा जरूर। सॉरी बोलती ना इसके जन्म से पहले के चंपक भाई आई एम सॉरी, तुमको औलाद नहीं दे सकती, तो सुकून तो मिलता। मेरा नुकसान किया। चुप, निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ। पापा प्लीज, पापा सॉरी, पापा 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 डफोर संग नालायक हलकट गधेड़ी ना, निकल पापा। आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है, हमेशा के लिए बंद है, हमेशा के लिए बंद है। लगन करवा वाड़ा बाप ने लगन तोड़वा वाड़ो केवो थयो छे। बाप शादियां करवाते करवाते थक गया, मगर ये तोड़वाते तोड़वाते नहीं थका। आज तो इसका खेल ही खत्म हो गया। चलो अब बहुत तमाशा हो गया, अब करने करो। मनसुख भाई लागी गयो। गुड टाइम शुरू। कोई नहीं, अपने भद्रपा जी इनकी हड्डियां तोड़ देंगे साफ बराबर। चलो क्या बात है उस्ताद जी, असली घी के डब्बे में असली सोना। ओ बिल्लो बादशाह, ये तबेला खोल के तूने बहुत बढ़िया काम किया यारा, बहुत बढ़िया। उस्ताद जी, सफेद दूध की याड में काला धंधा बहुत जोर का चल रहा है पाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए तंजरा, हां जी, दरवाजा बंद करो। के पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं, ना ही चुपचाप जाते हैं। तेरे जैसे कितने ही पुलसियों को गायब कर चुका हूं मैं। उस्ताद जी कहां गए? कहां गए उस्ताद जी? उस्ताद जी कहां हो आप? कूड़ा ढूंढ रहे हो तो कूड़े दान में ढूंढो। उस्ताद जी आप यहां? ओ मैं यहाँ कैसे? पाजी हमने कुछ नहीं देखा। दुनिया में तीन चीजें होती जरूर है, लेकिन किसी ने देखी नहीं। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और बहतर सिंह की रफ्तार। ओए मारो! हाँ?
ओ पाजी हुण ते दस दियो तुसी हो कौन? नाम 72 जिला मलखानपुर गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, हाथ में 786। ओए, गुरदासपुर वालों का क्या हुआ? ओ पाजी, आया था गुरदासपुर वालों का फोन, और वो ना बोलना, उन्होंने भी अपनी बेटी से आपकी शादी के लिए मना कर दिया। पाजी यार, ये अपनी लड़की कोई देता क्यों नहीं मुझे? आप चिंता क्यों करते हो पाजी? देखना, लड़की तो आपको ऐसी मिलेगी ना, पूरा जमाना देखेगा। ओए, जमाना क्यों देखेगा? सिर्फ मैं देखूंगा। ओ बता रे। ओ बोल जुगनू। ओ इन भैंसों का क्या करना है भाई? गांव वालों में बांट देने। बांट दे? ओए 20,000 की एक भैंस है। ओए भैंस ना करो, इतने बड़े मुजरिम पकड़े हम लोगों ने, गांव वालों में बांट दे भैंस, उनका दूध पिएंगे, हमें दुआएं देंगे, और इससे भी खतरनाक मुजरिम पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो तबेला भेज देता हूँ। और नहीं, ओए यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला खुलेगी। पाठशाला? हाँ, स्कूल। सब कुछ तो बांट देता है, इसीलिए तो इनको खिलाड़ी भैया बोलते हैं। वही बस गया बाबर में भैया, कब आएगी वो नैन लड़ैया, जो बोलेगी हमको सैया, तारे गिन गिन कर इंतजार में हम, बेजुबाबरा बन गए भैया। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। अपना परिवार है मल्टी कलर, हर देश से है दुल्हनिया। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। ओए सुखी, ओए इसको पूछना ब्याह करेगी। ये तो सिमरन है, इसने 4 महीने पहले शादी से मना कर दिया था। तो फिर नाच गा क्यों रही है मेरे साथ? मैं इसके बाप का मालूम? हद हो गई है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो। बंसु का सुबह सुबह एक बुढ़िया आई, कहने लगी अमोल पालकर जी 4 फुट कफन दे देना। अरे मनसुख, क्या मैं वाकई अमोल पालकर दिखता हूँ क्या? मनसुख, हेलो यार, मैं अमोल पालकर बन गया हूं, तू क्यों शराबी का अमिताभ बच्चन बना बैठा हुआ है यार? चल शराब छोड़ दे। बचपन से लेकर आज तक छोड़ता ही आया हूं जीवन। बैग उठाकर पढ़ने गया तो मास्टर ने कहा स्कूल छोड़ दे, बैट बॉल उठाकर मोहल्ले में गया तो बच्चों ने कहा खेलना छोड़ दे, स्कूटर उठाकर घर से बाहर गया तो पड़ोसी ने कहा मलाड तक छोड़ दे, और आज पापा ने कहा घर ही छोड़ दे। ए हेलो हेलो, मर जाएगा भाई, डाई हार्ड टाइम। ये दुकान ना मैंने मरने के बाद का सामान बेचने के लिए खोला हुआ है, मगर मैं मुर्दे नहीं उठाता। तू मुर्दे नहीं उठाता जीवन, और मैं अपनी बेइज्जती का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं यार। एक शादी नहीं करवा पाया मैं आज तक, एक शादी। एक दुल्हन भी मेरी वजह से फूलों से सजी गाड़ी में नहीं बैठी आज तक। अरे इसको कोई कंट्रोल करो, शी इज आउट ऑफ कंट्रोल।
चल चल इंदु जी। अब मैं लॉन ड्राइव बस हो गया। अब तो बस ना। अरे शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, जीवन की बात। तेरी जिंदगी सुधर जाएगी यार। ए बेवड़े, दिखता नहीं क्या मेरी गाड़ी की वाट लगा दी तेरी? तो किसे बेटा? इंदु, अगर जाओ तो बेवड़े ते धूला सांगे था ना, चुप बैठने का। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी वजह से? लेकिन मैं तो आपसे ही लगन करने आया हूँ। जा, मेरे से लगन करेगा तू? इंदु तेंदुलकर से? चल पतली गली पकड़ के निकल ले। औरत इकड़े औलास ना तू, चल वट ले। इंदु मैं क्या बोलता हूँ? औरता माजी सटकली माता तू गेला। इंदु इस तो घर नॉट फॉर फन। साइको है तू, साइको है। कौन लगना कर रहा तू चाची? देखा जीवन, मेरी वजह से एक और दूल्हा भाग गया यार। हाँ यार, तू जहाँ झांकेगा दूल्हा वहीं से भागेगा। अब बोल किसने किया ये? किसने? क्या किया लोगों ने? साले ने गाड़ी तोड़ दी। अब बैठिए, बैठिए गाड़ी में आप, नहीं भगतो। चलिए बैठिए आप। ए कौन है तुम लोग? जी मैं ही वो दुकान चलाता हूँ, यहाँ बैठ के दाढ़ी बना रहा था। बहन जी ने गाड़ी ठोक दी है ना। और तू? मैं मनसुख देसाई, लोगों का बैंड बजाता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओए खुल के बोलना, खुल के बोल। हमारे यहाँ इसे शादी कहते हैं जी। मैं लोगों की शादियां करवाता हूँ। जब इतना बढ़िया खिला ही रहे हैं तो यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, घर चल के नहा लेंगे। एक दिन में गौर थोड़ी नाराज होता है, क्या बोलता है? भाव आ गए। हाँ यह है टीटी। 20 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर इनका राज है, मगर इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला। इसमें भी कोई राज है? टीटी के खिलाफ जो गवाह था वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब। मौत से आप एक बार बच सकते हैं, मगर टीटी से नहीं। देखिए टीटी कैसे बजाता है लोगों की सीटी, आज रात 10:30 बजे सिर्फ जागो भारत टीवी पर। हमारा नाम टी है, तात्या तुकाराम तेंदुलकर। जी सर, आपको कौन नहीं जानता सर? कौन नहीं जानता बताओ, अभी जान जाएगा। हमारा नाम तात्या तुकाराम तेंदुलकर ऐसे ही नहीं है। तात्या ने ताकत दी, तेंदुलकर ने शोहरत। इंदु की शादी के लिए ये पूछ रहा है कि तुकाराम ने क्या दिया? जन्म दिया बे, और क्या दिया। सुना है तुम शादी कराता है? हाँ सर। मेरी बहन इंदु को तो तुम देख चुके हो। लंदन से पढ़ाई किया है, 10वीं तक। 10वीं तक सर? वाह सर, 10वीं तक, वरना आपकी बहन को पढ़ने की क्या जरूरत है सर? वही समझाता हूं कि एक जगह बार बार जाने से कोई इज्जत नहीं रहती, समझती नहीं है। वो तो जो तेरे को डिग्री चाहिए बोल, मैं घर पे लाके देता हूं। बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है। अब आप जैसे बड़े लोगों की बहन जिद्दी नहीं होगी सर, तो मनसुख थोड़ी होगा सर। देखो मनसुख, इंदु की शादी के लिए जो कुछ भी होगा ना अपन करेगा, लेकिन अपन को एक शरीफ खानदान चाहिए। शरीफ है ना, है ना शरीफ खानदान? शरीफ खानदान है सर, ले आऊंगा मैं। 10 दिन दीजिए मुझे, मैं शरीफ खानदान ले आऊंगा आपके लिए। 10 दिन क्यों? 13 दिन मां, 13वीं करवा के निकलेंगे यहां से। जीवन, जब मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो बीच में मत बोला कर। आहिस्ता आहिस्ता। अंकल है सर, जीवन 10वीं तक ही पढ़े ना, इसलिए मैनर्स थोड़े से कम है सर। 10वीं तक लेकिन ढोलकपुर म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से सर, लंदन म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से नहीं सर। खैर कोई बात नहीं,
लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे शरीफ खानदान का ही लड़का चाहिए। हाँ सर। ये लो 2,00,000 रुपए एडवांस। और मंसूख, प्रॉमिस तोड़ने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। दुनिया में चाहे हर काम अधूरा करो, लेकिन टीटी को प्रॉमिस किया हुआ वादा जरूर पूरा करो। हाँ हाँ सर, मुझे मालूम, मैं दिन रात टीवी पे न्यूज चैनल ही देखता हूँ सर। 10 दिन में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। नहीं तो टीवी पर तेरा बैड न्यूज आ जाएगा। 10 दिन में दूल्हा ढूंढना, नहीं तो उसके बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। 10 दिन, समझा? टीटी नाम है उसका, टीटी, वो भी जहन्नुम जाने वाली ट्रेन का। बेटा किसी दूसरी गाड़ी से बच भी सकते थे, लेकिन ये टीटी एक्सप्रेस देखना हम पर चढ़ाई करके ही रहेगी। अरे अपने पिछले कर्मों से कुछ तो सीखो भाई। अजीब सी जिंदगी बना रखी है, ना जी पा रहे ना मर पा रहे। हेलो, नोट गिनने की मशीन, उस पगलेट लड़की के लिए कहां से लड़का लाओगे? कोई है दूल्हा? कोई है? दूल्हा है जीवन, दूल्हा है। उस बिगड़ी घोड़ी को एक ही आदमी संभाल सकता है, 72 सिंह। अरे अब ये 72 सिंह कौन है भाई? खिलाड़ी 786। कुछ महीनों पहले मैं और पापा शादी कराने पंजाब बॉर्डर के पास गए थे, वहीं मिला था वो। ओ पप्पी, ओ पुतनी दे, ओ कांच के ग्लास ला यार, हटा इनको जल्दी। या कंजरानू दे दे। ओ तुम लोग क्या बॉर्डर पे खड़े हो यार, ओ मूड बना लो, बैठो। और कुछ चाहिए बेटा? ओ पप्पी तू शेती कर ग्लास ले, मूड बनाना है। मेरी क्या गलती है? तेरी गलती का इंतजार करूंगा क्या? ट्रक में क्या है? हैरी? ट्रक में क्या है? और इसके दूसरे कान में बोल। और साहब जी पूछ रहे ट्रक में क्या है? ओ जी होना क्या है? गेहूं चावल है? है जी, गेहूं चावल, गेहूं चावल। सुखी सर, चेक करी। पापा, भाई अपने को सूरवीर बनने की जरूरत नहीं है, महाबली आ गए हैं, पीछे हट जाओ। वो साहब जी, ये गेहूं की बोरियों में तो ये मोबाइल और घड़ियां भरी पड़ी हैं। चुप पीछे चुप। पापा स्मगलिंग नो माल। चौधरी तो और रुको, टॉपी और। अरे पापा, पापा। अरे डफोर संग, फिर से तेरी वजह से फंस गया मैं। पापा, अरे मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। ये भाई मारना चाहिए मेरे। अरे चुप कर यार, भाई गलत हो जाएगा। ओ दरोगा, ओ चुपचाप चला जा यहाँ से। ओ काके, पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं। चुप नहीं रहेगा तू? है तू, बोल बोल फिर क्या करेगा तू? मेरा तमंचा कहाँ गया यार? ओ ये सब क्या हो गया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। देखो जी, 3 चीजें दुनिया में होती तो हैं, पर कभी किसी ने देखी नहीं है। भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और 72 पाजी की रफ्तार। रफ्तार तो इसकी भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू, आपने पापा की जान बचाई। चुप। आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? लगती है जी, 72 पाजी के दुश्मनों को। इनको तो कोई छू भी नहीं सकता। 72 पाजी को कोई खरोंच भी मार दे, असंभव है जी। आपकी शादी हो गई? रुद्रपुर वालों को क्या हुआ? फोन आया उनका?
की कहंदे ने सेम ही स्टोरी है जी। उन्होंने तो बड़ी बेइज्जती के साथ मना किया जी शादी करने के लिए। नहीं जी नहीं हुई। आपको वादा ना हो तो पूरे भारत के साथ एक फोटो निकालेंगे। भारत के साथ नहीं बारात के साथ। ओ पूरी बारात के साथ। देखना जीवन, बहत्तर सिंह की शादी इंदु के साथ होकर रहेगी। अरे लेकिन तू तो कह रहा था वो पुलिस वाले हैं भाई। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। टिकेट टिकेट टिकेट। कहाँ जाना? तासी। तासी? तासी किसके घर जा रहे हो आप? बहत्तर सिंह। ओ बादशाह बहत्तर पाजी के घर जा रहे हो आप, तो टिकट थोड़ी ना लूंगा मैं आपसे। शरीफ खानदान। बड़ा ही शरीफ खानदान है जी। आज सवेरे ही रिश्ता पक्का करके गए हैं। आप समझ लो सत्तर पाजी के मेरी सिस्टर का घोटे टाइम शुरू हो गया है। लड़का शुद्ध हिंदुस्तानी है, प्योर ब्रीड। लो जी मुठा करो। ओए होए 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 होए। ओए बड़ा सोना मौका तूने गुआ दिया है जुगनू। हैं? ओए आज हमारी दोस्ती ना रिश्तेदारी में बदल गई होती। कैसे? ओ कैसे क्या, ये देख। ओए गबरू जवान तो देख ये खड़ा हमारे सामने। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी सत्तर पाजी, ओ मुंह ना खुलवाओ मेरा। ओए रिश्तेदारी ताकत वालों के साथ नहीं शराफत वालों के साथ की जाती है। आपने आज तक ठगी फांदेबाजी लूटमारी के अलावा कुछ किया है जो कोई अपनी बहू बेटी आपको देगा? ओ पाजी देखो आपको इसके वास्ते ना हिंदुस्तान से तो दुल्हन मिलेगी नहीं, आप इसके वास्ते कनेडा अफ्रीका चाइना से दुल्हन मंगा लो ना। ओए जो आपके खानदान का रिवाज है। ओए मेरी दी हुई पुलिस की वर्दी को पहन के खुद को असली पुलिस वाला समझ लगे हो क्या? नकली पुलिस वाला ही सही, लेकिन काम तो हम लोग असली का करते हैं ना। ट्रक का माल पकड़ के तुझे ही देते हैं। ना तो कौन सा एहसान करते हो, आधा हिस्सा भी तो देता हूँ तुमको, वो भी ईमानदारी नाल। आ लो 1.5 लाख परसों के ट्रक का। आ लो 50,000 और रखो, नवी वर्दी सिलवा लेना। कुश्ती कर करके वर्दी का सत्यानाश कितना है। ओ बतर बात सुन भाई। क्या खबर आई है? 4 दिनों में ट्रकों का बहुत बड़ा काफिला आने वाला है। रेडी रहना, करोड़ों के बारे नहीं आ रहे हैं इस बार। परमानेंट गुड टाइम शुरू है जी। चंगा जी रखो, ए भी रखो, सत श्री अकाल। रेडी हां जी जी। छोटा जरा बतरे जी। बाबू जी अले ये 50,000 रुपया जाके तू संते को दिया, उसको जरूरत है वो बीज वूज खरीदने उसने। बाबू जी हाँ जुगनू के सामने ना मेरे ब्याह के बारे में मत बात किया करो। ओए काका नहीं बाबू जी, बड़ी बेइज्जती होती बाबू जी। वाहेगुरु ने चाहा तो रिश्ता खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। खोदा पंजाब निकली चाइना क्या है जी? क्या ये मुंबई से आए तो सर पे बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो बत्तर जी के लिए रिश्ता लेकर आए। मैं जी 70 सिंह। हेलो जी। मेरा छोटा भाई 71 सिंह। सत श्री अकाल। हेलो जी नमस्ते। और मेरे बेटे 72 सिंह से तो मिल ही चुके हो? हाँ जी हाँ जी मिल चुका हूँ। और ये 71 सिंह का बेटा 74 सिंह फतेह बुला पुत्र। जी ये कह रहा है कि आपने 73 मिस कर दिया। हाँ मैं गिरी जय जरे। चल क्यों? मेरा बेटा 73 सिंह बचपन में मागी के मेले में खो गया था। ओह शिट सच अ टची स्टोरी। आप लस्सी लाओ जी, लाओ लो लस्सी लाओ। पांक लस्सी पी लो। कैसी लगी लस्सी? चीनी कम है जी। दो ही तो है जी बस, एक मेरी वोटी है और दूसरा मेरा पुत्र। So sweet. आपकी पत्नी चाइनीज? और जी मैं चांदनी चौक में काम करता था। और मेरे बगल में इनकी चाइनीज मोबाइल की दुकान थी। एक दिन कुछ लोग इनकी दुकान में झगड़ा करने के लिए मोबाइल खराब, बोले तुम चाइनीज हो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं सहन नहीं करूंगा। क्या हुआ? ये चाइनीज है। मैंने उसी वक्त अपना अंगूठा काटा
और इनकी मांग में भर दिया और कहा, ए चीनी नहीं सीखनी है सीखनी। लो जी फिर हो गया गदर। वाह पाजी वाह, जय माता दी वाह। नमस्ते। नमस्ते। मेरी वोटी ओलिविया मार्टिन कौर। कैन आई जस्ट से, ओ 32 साल पहला मैं कनाडा में टैक्सी चलाता था, एक दिन मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते में वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ा। मेरी गड्डी में आई, घर तक चली आई, बस फिर क्या था, हो गया कांड, वापस ही नहीं गई। लड़की की फोटो, ये जी सुंदर है ना, जैसी हम चाहते थे वैसी है। हिंदुस्तानी सोने है। इसका पियो क्या करता है? जी लड़की के पिता नहीं है, एक बड़ा भाई है, आप ही के जैसा काम है, पुलिस में है ना जीवन, पुलिस में। हाँ पुलिस पुलिस। क्या जी? पुलिस में जी, पुलिस पुलिस। कौन मेरा झूठ होता है? पुलिस वालों के डके था, चल चल वो मेरा ज्यादा की दे रहे। मैंने तो पहले ही कहा था कि गलत एड्रेस आ गए, तू ही लाए मुझे यहां पे। ये काशी है भाई साहब। हां ओ सॉरी, हमें तो काशी जाना। अरे भाई साहब रुक रुक रुक, क्या हो गया? अरे ना ये क्या कर रहे हो, ये 73 को लेकर नहीं गए थे? ये अच्छे लोग हैं, हमारी तरह रिश्ता लेकर आए हैं भतरे का मुंबई से। भतरे का रिश्ता लाए? ये मेरी माँ है, मार्गरेट मंडेला कौर, बाउजा अफ्रीका से लाए थे। जब से 73 गुम हुआ ना, तब से मेरी माँ घूम गई है। बाउजी सारा काम करता है, पैसे देते। ओए मंसूख, ओ तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए रिश्ता लाया हूँ पाजी, पुलिस वालों का। ओ भौजी पुलिस वाले? ठंडे रखे, ना खुश होने की लोड़ नहीं है। बतरे की माँ, जा छोटी को ले जा, इनके खाने वाने का इंतजाम कर। ओहो जी चलिए। चलो भाई प्रौने हो, आप लोग भी कुकड़ मुर्गे पालो। अरे वेजिटेरियन ना, ते जाओ मूली पालो पाड़ लो। चलो भाई सुखी। हाँ जी। इनकी मालिश वालिश का इंतजाम कर यार। वो सब तो ठीक है, आपके यहाँ कोई कुत्ता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, खुद ही काट लेते हैं कभी जरूरत पड़े तो। भौजी की कर रहे हो तुसी? की पुत्र, पुलिस खानदान ने छिड़ा हो रहा है मेरा। ओए पुत्र, पुलिस वालों में भी चोर होते हैं, उन्हें लगता है हम पुलिस वाले हैं। लेकिन चाचा जी अगर उनको सच पता चलेगा तो हमारे खानदान की गिनती कम कर देंगे वो। बचन बोल, अभी तक मेरे सीने के ऊपर 73 के गम का बोझ है। वाहे गुरु ने ये रिश्ता भेजा है, सच्चे पातशाह सब ठीक करेंगे, बस तू छेती छेती शादी कर ले और मेरे हाथ में ना मेरा पोता 75 सिंह दे 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 75 सिंह। ओए तू अपना हाथ देखना बंद कर, ते इसको देख जिसका तूने हाथ थामना है। जिससे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। आह बात ये सच्ची आज तुझको बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊं, बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊं, दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊं, फोन में फोटो तेरी देखूं बारी बारी, जी करता जावा मैं मार के उडारी। ओ बावरिया, मैं कितना तनहा तनहा, लोनली लोनली तेरे बिन। ओ बावरिया तेरी याद 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 मैं, तेरी याद 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 मैं, तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया। ओ बावरिया ओ बावरिया,
मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया सांसों में आंखों में नींदों में खाबों में तू ही तू ओ बावरिया तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया ओ बावरिया ओ बावरिया मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया जितना मैं भूलना चाहूं तेरी यादें ना दिल से जाती है कोई ना कोई कनेक्शन है जो मेरी नींदों को चुराती है तेरी साथ है साथ है तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया ओ बावरिया ओ बावरिया मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया भाजी देखो बतर कैसे नाक से गाना गाता हुआ रहा बस वीर जी इस बारी दी शादी कोई रुकावट ना आवे ओए गांठ से मैं बांध दियांगा आज आजादी का दिवस है लेकिन मेरा मानना है कि आजादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं बल्कि आजादी यहां से दिल से महसूस करनी चाहिए अब मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच आके दो शब्द कहें प्यारे भाइयों सबसे पहले मैं आप सभी को आजादी के दिन की बधाई देता हूं आज आजादी का दिवस इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मेरे रहते कुछ लोग यहां से आजाद हो और जो लोग आज यहां से आजाद हो रहे हैं उनके नाम हैं किशोर राणे रामपाल सिंह और आजाद रेड्डी मेरी पार्टी चाहती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार भी मदद नहीं कर पा रही वो लोग हमारी पार्टी के पास आए हमसे मिले मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी उनकी पूरी पूरी मदद करेगी बहुत बहुत शुभकामनाएं आजाद होने की हार्दिक बधाई आजाद होने की हार्दिक बधाई आई आई आपको भी हार्दिक बधाई आजादी के एक प्रोग्राम में एक कैदी आजाद ने आजादी का ये मतलब निकाला कि अपने रिहाई के दिन ही एक मंत्री को चाटा चढ़ दिया इस चेहरे को गौर से देखिए कितना मासूम है ये चेहरा ये ऐसा ये तो पुलिस वाला है आप ही ने तो कहा था ना कि शरीफ खानदान का लड़का चाहिए जो क्या ची आई बहन करुणो कोस पुलिस खानदान में शादी कराएगा अपन को जेल भिजवाएगा तू गेला तू अता गेला रे गेला तू वाह मिस्टर टीटी वाह जीवन तू बिल्कुल सही कहता था इनकी बात बात और हमारी बात कभी की लात
शरीफ खानदान का लड़का होना चाहिए यही कहा था, और ये शरीफ है। ऐसा तो नहीं कहा था कि पुलिस में नहीं होना चाहिए। अरे इतने कंडीशंस लगाकर तो वीजा नहीं मिलता जितने में आप जीजा ढूंढ रहे हैं। दूल्हा चाहिए स्टार कंडीशंस अप्लाई। एक तो आपके रेपुटेशन की वजह से वैसे ही आपके घर में कोई शादी करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बेचारा फंस जाता है तो आपकी बहन उसकी मां बहन एक कर देती। अरे आपको तो ऐसा लड़का चाहिए शरीफ होने के साथ साथ जो इंदू जी को संभाल सके। और ये बिल्कुल वैसा ही है, दिलेर है, खानदानी है, शरीफ है। इनकी शराफत के चर्चे इतने हैं कि इनकी गांव के बस में इनका नाम चलता है, टिकट नहीं चलता, लड़कियों की लाइन लगी हुई है इसके लिए। और ये भी वैसे नहीं मिला, झूठ बोला मैंने आपके लिए कि आप पुलिस में। क्या? हाँ, उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा क्या, तो मैंने कहा कि हाँ आप पुलिस में। और आपने मेरी इतनी मेहनत को पानी में कर दिया सर। ए भक्तावर गोली चला, पहले जीवन को मार फिर मुझे मार। ए, 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 ए। थाम। क्या बोला तू उनको कि मैं भी पुलिस वाला हूं? हाँ। मुझे मंजूर है। लेकिन तेरे इस झूठ का अगर किसी को पता चला और मेरी बहन की शादी तक कोई प्रॉब्लम आई तो तुझे एक सीख मिलेगी। कैसी सीख? वो सीख जो तुम दोनों के अंदर डाल के मसीख कबाब बनाऊंगा। जी सर। कब आ रहे हैं वो लोग? 2 दिन बाद। ओ मुंडो, क्यों यार? अपने बात करें ना, रिश्ता पक्का हो गया। भैया जी, भाई रूट्स फ्रेश लग रहे हैं ना। टीटी सर, आपको मुंबई पुलिस का ये स्लोगन याद करना है, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय मुंबई पुलिस जय। प्लीज इंदू बेबी के लिए। सब ठीक हो जाए, खली आ जाए मुंबई। होएगा होएगा, कंसंट्रेट। सदाशिव अमरापुर कर पुलिस चौकी 17 का काला नाका पुलिस। अरे कायरे माई काय करूंगी, सह निर्देशक खलना एक सदर परिचय महिला। ये नहीं होगा। ओ क्यों बत रहे किधर? ओए 2 घंटों में ट्रकों का काफला आ रहा है भाई। ओए जुगनू तू फिकर ना कर, तू चल मैं आ रहा हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? ओ इनको नुक्कड़ पे छोड़ने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, तू चल। जो बोले सोनिया। देखो ना। अरे हाँ यार। ओ हेलो। लाइन में। अटेंशन अटेंशन, भारत माता की जय। ओ जी पाजी, कौन सा शहर चल रहा है? ओ लल्लू लाल लाहौरी, ट्रक चल रहा है, शहर नहीं चलते, वहीं खड़े रहते हैं। गुड टाइम गुरु। एक बत्तर कहाँ है? Da 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 da
डा 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 आ आ ना कब तक तेरा बर्थडे जेल में मनाएंगे आजाद? फिकर ना को नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे होएगा ना अपनी खोली में ही होएगा क्या? अरे मैं बहुत जल्दी बाहर आ रहा और तू देखना मैं सीधा घोड़ी पे ही जाएंगा फिर नाला सुपारा में होएंगी शादी और बांग्लादेश में होएगा हनीमून। बांग्लादेश 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 3 साल से सुन रही मैं अगर ऐसा ही रहा ना तो इस बार टीटी भाव एक पुलिस वाले के साथ मेरा लगन करा देगा। आजाद को हुल दे रही क्या? जा आशीर्वाद कर ले जा। नहीं कर सकती ना क्योंकि मैं जानती है कि गुंडे की बहन का लगन एक गुंडे के साथ ही हो सकता है वरना बाद में सच पता लगने पर प्रॉब्लम ही होगी ना। अरे तो जब उन लोग रिश्ते के लिए आएंगे तो बता देना सच क्या है। हाँ वेरी गुड ताकि टीटी भाव भी तुम्हारे साथ इसी जेल में मिले। सारे पुलिस वाले साले। अरे तू टेंशन ना को माइकल आ रहा है ना बाहर बस। वैसे वो लोग भी कल ही जा रहे हैं मगर उनका आना पक्का है। हा? अरे तो मेरा भी पक्का है ना तू समझती क्या मेरे को? अरे लिख के दू क्या वो लिख के दू तेरे को? ए नर्सरी फेर तू क्या लिख के देगा बे सीधा तक आएगा? अरे अरे केक तो खाने दे। अरे केक खाने दे। अरे अपनी शादी होएगी आजाद अभी यार ये तो ट्रक में आ गए। शुक्र मना के आ तो गए। पुता यहाँ पहुँच गए। हाँ जी बेबे चलिए चलो ओ सब लोग उतर जाओ। मारो बम 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 मारो खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भाई इतने सारे लोग और ये तो हमारे गांव के। ओ जाओ भाई मुंबई घूम आओ जाओ शादी के वक्त आना जाओ जाओ जाओ। पाजी वो तो पूछ लो। ओ हाँ ओ धर्मेंद्र जी कितने रहते हैं? धर्मेंद्र जी यही जू में। ओ जू में रहते जाओ वही डेरा डालो जाओ। ठीक है पाजी चप्पल है सोनिया जय श्री अकाल। धूम मचावे रंग जमावे जी 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 रे मन सुख भाई। असुखी चल इन्नू तो छोड़ दे। ओ बलमा पाजी इंदु जी आपको देखकर इतना खुश हो गई कि आपको फूल मार दिया। ओ मैं जट गमला पगला दीवाना उनकी गली में हम आए अजीब इत्तेफाक है। फूल तो फेंका उन्होंने मगर गमला भी साथ है। वाह 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 ये कुड़ी का मामा लगता है। एसीपी साहब आ गए। वीर जी सिर्फ पुलिस वालों की तरह बात करना और इकतरे चक देंगे फट्टी। संरक्षण आए खल निगरान आए मुंबई पुलिस जय हिंद। क्या बात क्या बात क्या बात मैं TTT तात्या तुकाराम तेंदुलकर तात्या ने ताकत दी और तेंदुलकर ने शोहरत। और तुकाराम ने क्या दिया जी? जन्म दिया है और क्या दिया है। ये अब उनका पुलिस टीम और ये अब उनकी मेड मिली। नमस्ते और मिली का भाई भगत। नमस्ते मेड फॉर ईच अदर। पाजी ये भगत जी को क्या हुआ है? अपन का मिस्टेक था अपन की गाड़ी इसको ठोक दी तब से इसकी हालत ऐसी है। मगर टीडी भाई का दया देखना रे बाबा हम अनाथ भाई बहन को इतना बड़ा घर में लेके आया ये हमारी तो समझ में नहीं आता रे बाबा कि टीडी भाई का घर बड़ा है कि इसका दिल तेरे चरण छूता रे बाबा माए। वाह 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 टीडी पाजी वाह आपने तो कमाल कर दिया। ओए टीडी पाजी मैं सतर सिंह ये मेरा छोटा भाई कतर सिंह और ये मेरा बेटा बतर सिंह और ये कतरे का बेटा चौतर सिंह।
आपने 73 मिस किया। हाँ मैं बैठी नहीं चले चले। क्या मेरे त्यागी? हम क्या चले? We all miss तेहतर सिंह। मेरा छोटा भाई तेहतर सिंह बचपन में मागे दे मेले में खो गया था। बहुत याद आती है उसकी सर। छोटे जी, ये मेरी माँ है, मार्गेट मंडेला कौर, बाबूजी साउथ अफ्रीका से लाए थे, और वो कतरे की बीवी है, सिंग वांग कौर, चाइना से। बतरे की माँ है मेरी वट्टी, ओलिविया मार्टिन कौर, कनाडा से। सत श्री अकाल। भाग के आया उसको दूर दूर ढूंढ के, इधर आया है, मेरे को लगता है इधर ही किधर आया है वो वही टीटी तू ये क्या मायला, तू कभी से ऐसी भी बना रहे? ये जब से डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया है तब से, लेकिन तू साला आले राव कामली इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर नहीं रह गया। आले राव गेले राव ने भाले राव कामली बोलते मेरे को, इंस्पेक्टर था है और रहेगा, कौन क्या करता भाई देखता है, पर तू एसीपी का वर्दी कैसे पहना है बोले मेरे को? यही मेरे को फिट आया, पहन लिया, लेकिन तू तो पागल हो गया। एसीपी हूँ तो एसीपी का ही वर्दी पहनूंगा ना, हवलदार की थोड़ी पहनूंगा। अरे तू हवलदार के वर्दी कभी लायक नहीं है, तू गुंडा है, गुंडा 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 गुंडा। हाँ मैं गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा, लेकिन मेरे को गुंडा बनाया किसने? इस समाज के मुजरिमों ने, क्योंकि मैं क्राइम बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं मुजरिम को पकड़ता नहीं, सीधा टपका डालता हूं इनको। क्या मैं गलत करता हूं? हाँ क्या मैं कोई गलत काम करता हूं? गलत करता हूं मैं गलत? छी 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 छी, अब तक तो लोग इन्हें वर्दी वाला गुंडा कह के बुला रहे थे, अब इनका अपना डिपार्टमेंट ही गुंडा कह के बुला रहा है। वेरी बैड, ये कोई बात हुई? गुस्सा ना खा मनसुख वीर जी, मगर मुजरिमों को सजा देने का काम तो कानून का है ना। सर सर आप वादा करिए कि कभी भी किसी मुजरिम को पकड़ोगे ना, उसको उसको उसका एनकाउंटर नहीं करोगे, उसे गोली नहीं मारोगे, माता रानी की कसम खा लो प्लीज। ये कसम वादे फूलर डाल के जा माला, क्या नाटक है रे, के डोके फिरेगा मेरे जा माला, कंफ्यूजन कर दिया, कौन है रे ये लोग? कामली का दिमाग गरम हो गया, थोड़ा ठंडा पानी पिला दे, ले जा। डंडा क्या रे गुंडा, डंडा घुस रहे मेरा पुराना दोस्त है, बहुत सालों से इंस्पेक्टर और मैं अचानक एसीपी बन गया ना, इसीलिए अंदर से आग आग जलन 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 और बताइए, घबराहट हो गई जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमें तो हुई नहीं जी, रस्ते में किसी को हुई हो तो पता नहीं। चंगा आपके थाने का क्या हाल है? थाने के बारे में मालूम नहीं, हम तो जू में रहता है ना। बहुत सुना मतबले आपने अपना घर खूबसूरत बनाया जी, बहुत खून बहाकर बनाया ना। ए, पसीना तेरा बाप बोलेगा, खून पसीना बोल, खून पसीना बहा के बनाया है। हेलो हिंदू आगे ओबलमा लीजिए लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए खाइए ना जी, खाइए। Bye.
बेटे हिंदू को अंदर ले जाओ। जी। चलिए बेबी, चलिए ना। ओ बावरिया, ओ बावरिया। ये मेरे पैरों में छेद बना के मेरा तेल निकाल रही थी क्या? नहीं नहीं, वो तो आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। हाँ, वो चेक कर रही थी कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। क्यों जीवन? सर जी, आपको उनका हर टेस्ट पास करना होगा। और चिंता ना करो, मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, चाहे ये मेरा ब्लड टेस्ट क्यों ना ले ले। पापा जी, मिस्टर आजाद, आज तुम 3 साल बाद शायद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। देखो, इस बात को यहां से नहीं बल्कि यहां से दिल से महसूस करना। दिल से, दिल से। और यहां से बाहर निकलने के बाद एक शराफत। हाँ, टोटल रटेला है मेरे को। शराफत का जिंदगी जीने का, इज्जत ईमानदारी के साथ धंधा करने का, वगैरह वगैरह, यही ना। अभी बाहर जाके मैं जो भी करेगा वापस अंदर ना को आएगा मैं। हाँ, अच्छा होगा, तुम उस सेल से बाहर निकलोगे तो उस सेल की पेंटिंग भी हो जाएगी। एक बात बोलने का है, एक सिगरेट मिलेगा। सुनो, बाहर चलते हैं, तुम्हारे बहाने एक मैं भी पी लूंगा। क्या हुआ आजाद? पूरे काम में आजाद किसी को शामिल न को करता। वाह, ऐसे विचार आजकल कहां मिलते हैं? हिंदू कर रहा है डिस्टर्ब। बोलो सोनियो, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? चलो चलो चलो, चप्पल तो पहन लो। और गाड़ी में जाना है, पैदल थोड़ी। ओबलमा वैसे आपको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक, एक बात बताओ? मुझे भी बड़ा शौक। आज की बात नहीं रहेगी। इंदु जी, संभाल के सारा सामान यहाँ आ गया। हिंदू जी, आप गाड़ी बड़ी अच्छी चलाती है। गन भी अच्छी चलाती हूँ। एक्शन एक्शन है हिंदू जी, आप बिल्कुल मेरी टाइप की है। क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? रफ्तार सोड़े हो, रफ्तार। अब देखना यह है कि यह गाड़ी सिर्फ चलती है या फिर भागती भी है। उड़ती भी है। We'll be right back.
छैया छड़ के आया छड़ के वो तंग गलिया सोड़ो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। सत श्री अकाल। यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तूने ये सब करा यार, सब सेट कर लिया, विश्वास नहीं हो रहा। अबे रोते हुए जाएगा तो मुर्दे की खबर लाएगा, अब देखना हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो मंसूक भाई, और तुझे ऊपर क्या करो पाजी? भाई शुक्र करो कि अभी मैं बहुत ऊपर नहीं चला गया पाजी, जिंदा हूं अभी तक मैं, बहुत बड़ी बात। मैंने हमें बताओ कोई कमी रह गई? बताओ तो सही क्या हुआ? ऊपर ऊपर आओ बताता हूं यार मैं, चल देखते हैं। चेती आओ यार। ओ देख आराम से रहियो। हाँ पाजी बताओ क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ पाजी, खातिरदारी में कोई कमी रह गई? इतना मुंह क्यों लटकाए हो आप? नहीं भाई, जिंदगी में ना पहली बार किसी से इश्क हुआ है पाजी, उसी ने जलील कर दिया। कौन कौन? हमें बताओ। मिली बस इतनी सी बात, एक बार भत्तर जी की शादी हो जाए उसके बाद तुम्हें और मिली को भी सेट करा दूंगा। सच्ची? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं पाजी। भत्तर पाजी की शादी जल्दी करवाओ हमने। हाँ उसके बाद आप मिली के साथ। पाजी आपने कह दिया तो हमको विश्वास हो गया पाजी, अब तो इतनी तमन्ना है बस भत्तर पाजी की शादी हो जाए। हाँ। इंदू परजाई को लेके पंजाब जाएं, अपने काम धंधे में ध्यान दें पाजी। हाँ आपकी ड्यूटी का भी नुकसान हो रहा होगा ना जी? नहीं नहीं नुकसान की बात नहीं है पाजी, नुकसान तो हम दो ट्रकों में पूरा कर लेंगे। अब तो इतना बस जाके अपना भत्रपाजी खेतों में ध्यान दें, फसलें उगाएं, इंदू प्रजाई उनके लिए खाना बना के लेके जाए खेतों। और पुलिस की नौकरी? वो साली पुलिस खुद करे, हम पुलिस के बाप के नौकर हैं यार।
आप लोग पुलिस में नौकरी नहीं करते? टट्टू पुलिस में है। पुलिस का क्या है जी, बाजी वर्दी पहन लो, पुलिस वाले बन जाओ, अच्छे इंसान होना बड़ी गल है, जैसे ये लोग हैं। पर इस 70 बाजी ने मुझ अनाथ को पाल पोस के बड़ा किया, 71 बाजी ने पिस्तौल चलाना सिखा दिया, और 72 बाजी ने अपने साथ ट्रक लूटने के काम में लगा लिया। बाजी मुझको जिंदगी बना दी अनाथ की, और बाजी अब तो यही है, बस 72 बाजी की शादी हो जाए, हिंदू पापी को लेके पंजाब जाना है, और भाई साहब को बोले 72 बाजी मेहनत करो, कब तक बॉर्डर पार से आने वाले ट्रकों पे जिंदा रहेंगे हम लोग? बाजी कल को कोई ऊंच नीच होगी ना बाजी, सर अब दी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बाजी। तेरी कमाल की दर हुई यार मुंबई की, बंटी मैंने डली ये हो गया, और नहीं है जमोती तो क्यों पीते हो बंदर से? और क्या हुआ मसूख, और चिल्ला क्यों रहा तू? तूने मुझसे झूठ बोला, नाम 72 काम 35। 72 सिंह आवारा कुत्ता मर्सिडीज के पीछे भाग तो सकता है लेकिन उसे चला नहीं सकता। तूने क्या सोचा था मैं तुझे नहीं पहचानूंगा? 72 सिंह तूने वो कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? कि आम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, रहते हो डाल के नीचे ही है। नहीं ये कहावत तो नहीं सुनी है, लेकिन मैंने इससे मिलती जुलती कहावत सुनी है। वो कहते हैं कि इसे वो ही समझना और चुपचाप ये शहर। ओए पंजाबी, ना तो चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं। 72 सिंह मनसुख, तो सिर्फ मुझे अपने सपनों में ही मार सकता है, हकीकत होती तो मैं तुझे कप कप पी जाता। पी जाता कैसे? एंग्री आमरस। मनसुख भाई नहीं लागी गई। तुझे किसने मारा? 72 ने। मुझे टीटी भाई ने मारा। टीटी भाई, आपको हमारे बारे में गलतफहमी हो गई थी और हमें 72 के बारे में गलतफहमी हो गई थी। टीटी भाई इतनी बड़ी सजा मत दो। टीटी भाई तुम्हारी गलत फहमी ने अपुन को गलत फैमिली दिलवा दी। मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरे दुकान का सामान मेरे ही काम आने वाला है। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। जीवन बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है यार। ओह उसकी बहन की कोई शक? अरे उसकी बहन की शादी में जीवन लाल प्राण लाल डिकोस्टा क्यों कुर्बानी दे भाई? आप दीजिए कुर्बानी, आपको शौक है तो गेट वेल सून। लेकिन ठीक है जीवन, मैं दूंगा कुर्बानी, लेकिन ये शादी जरूर करवा के रहूंगा। और अगर ये शादी करवाते करवाते मैं शहीद हो गया ना, तो कम से कम पापा मेरी फोटो घर में तो रखेंगे ना। इंदु बेबी किधर जा रही है आप? तू कौन होता है पूछने वाला? होता है, इस घर में सब कुछ मेरे ऑर्डर से होता है। 3 दिन के बाद तेरी सगाई है, आज के बाद तू किधर भी बाहर नहीं जाएगी। पर भाव मैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी सुनना है तो तेरी शादी की शहनाई। भाव आप एक झूठ बोलकर मेरी शादी कर लो, ये गलत है। देख इंदु, अगर एक झूठ से तेरी जिंदगी में खुशी आती है ना, तो मैं ऐसे 1000 झूठ बोल सकता हूँ। तेरा भविष्य मेरे लिए किसी सच या झूठ के बहुत ऊपर है। किसी अच्छे खानदान में तेरी शादी हो जाएगी ना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हे छाने, मेरा ससुराल जरूर शरीफ हो जाएगा, मायका तो वैसे ही रह जाएगा ना। कौन बोला रहे तेरे को? मैंने डिसाइड किया है कि तेरी शादी के बाद मैं खंडाला में सेटल हो जाएगा। अभी तक मैंने एक माफिया बनकर एक स्टार्सन मांगा है, अब मैं एक शरीफ आदमी बनकर पड़ोसी से अखबार मांगना चाहता हूं।
बॉडीगार्ड के प्रोटेक्शन की छांव में नहीं, अपने गार्डन के पेड़ों की छांव में बैठना चाहता हूं। भाव, आप ये सब बोलकर झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। और वो मुझे करने का भी नहीं, मुझे सिर्फ तेरी शादी कराने का है। और आज के बाद तू सिर्फ बाहर तभी जाएगी जब तेरी डोली जाएगी, समझी? पाजी, सगाई को 3 दिन बचे, शादी के बाद देखना कि आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और इंदु जी आपके लिए इतनी लक्की साबित होगी, देखना। फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो, अबे गूंगा है तो फोन क्यों करता है बे? कुत्रा वांद्रा बिलाड़ा। किसका फोन था? बिना वजह परेशान करता है, पता नहीं कौन है, खंबे पे चढ़ा है कमीना। पाजी, इंदु जी के चेहरे से ये तो जरूर साबित होता है कि वो आपसे मनी मन बहुत प्यार करती है। मनी मन करती है ना, मन से बाहर क्यों नहीं निकलती चीज? परेशान हो गया हूं, सारे टेस्ट उसके पास कर लिए, अब क्या जान लेगी मेरी? शर्माती है पाजी, आपसे शर्माती है। आप उसको किसी होटल में ले जाओ, खाना खिलाओ, रोमांस करो, फिर देखो, फिर प्यार भर आ जाएगा। पक्का? आपने वो गाना नहीं सुना? कौन सा? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए हैं। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। हाँ तो चले डिस्को। पाजी, जिसको डिस्को ले जाना है उसको तो बोल दे। जी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना। जी अपना तो बोलना, मुझे शर्म आती, बोलना। जी आपको डिस्को ले जाना चाहते हैं। डिस्को? जी। चलो पाजी, चलो। हेलो। हाँ इंदु, आजाद। मैं घर पे हूँ। अरे घर पे क्या कर रही तू? मैं क्या पागल है जो छूट के आया तेरे वास्ते? अरे मेरी बात तो सुनो, घर पे मेहमान आए हैं। आप ही के बारे में कह रही है कि गेस्ट आए हुए हैं? मैं किसी को बोला नहीं लेने आने को, मैं सोचा मेरी इंदु आएंगी, अभी क्या बस जाएगा क्या? मैं कुछ ना को सुनेगा मैं। अभी क्या पी इधर आ? मैंने बोला ना प्रॉब्लम है कुछ। अरे इधर मेरी अखी लाइफ में मक्खी से प्रॉब्लम हो रही और तू मेरे को अपने घर की प्रॉब्लम बता रही? अरे तू आ रही कि नहीं बता मेरे को? आज शादी करेंगे हम लोग। आज क्या हुआ, इतना लाउड रिएक्शन था दे रही तू? इंदु, प्यार करती ना मेरे से? हाँ हाँ प्यार तो करती हूँ ना। आप ही के बारे में कह रही है कि प्यार करती हूँ अपनी सहेली से? हाँ कुछ ना को सुनेगा मैं, तू अब भी क्या अभी इधर आ? एक मिनट, कितने बजे जाना है? 9 बजे क्लब एस्केप। 9 बजे क्लब एस्केप। ओके डन, आप लोग निकलो। चलो बाजी। अबे ये आ जाएगी ना? 100% आ जाएगी बाजी, चलो। कहीं मैं रनवे की तरह वहां खड़ा ना रह जाऊं। बाजी बिल्कुल भी नहीं। हेलो, 9:30 बजे मिलेंगे लोखंड वाला सर्कल। चल ठीक है, टाइम पे आ जाना तू। सिगरेट। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। सर इस बार तो ये सचमुच चला गया। आतर, मुझे कौन उतारेगा? कहाँ अटकी हुई हो? मैंने कहा था ना कार में चलते हैं। और मैं नहीं जा सकता साबुदानी में, मर्दों की सवारी होती है ट्रक, मैं तो ट्रक में ही चलूंगा। चलो चलो जी। ओ वेले, कुछ काम कर ले। मैडम जी, हाँ हमारे घर में सारी बहुएं फिरंगी है, हमें तो जी हिंदुस्तानी कुड़ी की तंगी है, माफ करना बहन जी। ओ बलवा, सर ये लोग तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
गया ना। तू उधर ही रुक, मैं आता हूं उधर। अरे झंडा तो ले कुछ। अरे झंडा तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा साले। जेल से बाहर आते ही आंदोलन चालू। अंदर डाल इसको। अपनी शादी होके रहेंगी, उम्मीद नहीं छोड़ना हिंदू। मैं आएंगा, I'll be back। ओ इंदु जी, इंदु जी, हाथी लगा रहा है। इंदु जी मैं यहाँ, आप बाहर क्यों आ गई? जिसे बाहर आना चाहिए था वो तो आ नहीं रहा, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। किसकी बात कर रही है? मैं मतलब नहीं समझा। समझाती हूँ। ओ इंदु जी, आपके मुंबई में कोई और जगह नहीं है देखने लायक जो आप मुझे जेल दिखाने ले आई है। अंदर चलो। अब अंदर भी जाना पड़ेगा। क्या हो, पुलिस वाले होके जेल से डरते हो? और तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, ले चले चाय जेल में। ससुर का संतरी जी। 70, 71, 72 ये है आजाद। ससुरकाल बाजी। मेरा बॉयफ्रेंड जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। और आजाद ये है 72 सिंह पंजाब पुलिस में, जो मुझसे शादी करना चाहता है। कैसे कैसे नमूनों को लेते रहे आजकल पंजाब पुलिस में। तेरे जैसे पुलिस वाले ना आजाद की जेबा में पड़े रहते क्या? पाजी इस वक्त तो आप पुलिस की जेब में पड़े हो। शेर चाहे पिंजरे में हो, शेर शेर ही होना, और तू शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, समझा? मैं जंगलों के शेर से नहीं डरता। आप तो वैसे भी सर्कस के लगते हो। मुझे डर है अगर जोर से चिल्लाए मैं तो कहीं दो पैरों पे खड़े ना हो जाओ। लो जी खड़े भी हो गए। अरे तेरी तो, अरे मैं बाहर होता ना तेरा खेल आज ही खत्म कर डालता मैं। तू है क्या चीज बे? नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी। सर पे हाथ रबदा, इधर देखो हाथ में 786। अगर आप बाहर होते ना तो बाबा जी से सिर्फ यही दुआ मांग रहे होते कि बाबा जी मैं आजाद क्यों हुआ। बताओ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बोटी बोटी चबा जाऊंगा तेरी। पेट खराब हो जाएगा, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अरे मैं तेरे को बर्बाद कर डालूंगा साले, तेरा खानदान मिटा दूंगा मैं। ओए काके, साढ़े पंजाब में स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर भी 70, 71, 72 लिखा होता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसे मिटा दे। तू मेरा खानदान मिटाएगा मैं। अच्छा हुआ छाती पे मार के नहीं गया। जा साहिबान लोगों को बुलवान। हो बहतर। आओ जी सोनियो, शादी करनी है तुमसे। ओ जी साड़ी चुंगी पे तो आपने पहले बैरियर लगा दिया। मैं आपके उस पहलवान की बात कर रहा हूँ आजाद। हाँ करनी तो है मगर वो तो जेल में है ना। ओ उसकी फिक्र मत करो, वो मैं 2-3 दिन में ले आऊंगा। तुम ले आओगे? लाना ही पड़ेगा जी, बच्चे जब ऐसे खिलौने की जिद कर रहे जो हमें पता 2 दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन इंदु जी लाकर तो देना ही पड़ेगा ना। आइए आपको आपके घर छोड़ देता हूं। आइए 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 इंदु जी, सोचिए मत, आइए आइए। मैं
जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम पलकां दी छावा ठंडी हवावा मैं मांगो दुआवा पलकां दी छावा ठंडी हवावा मैं मांगो दुआवा रब्बा वे सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम एक पल में दिलिए बेताबियों को हाल तमन्ना कैसे बताएं सौ अफसाने हैं सौ सौ बातें हैं जाने तमन्ना कैसे सुनाएं पहली मुलाकात पहली याद पहली बारिश की फरियाद सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम जो तैनू वेखिया सांसे गई थम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात सोए न हम सारी सारी रात इंतजार करूंगा क्या जेलर कहां है जेलर मैं यहां हूं ना मैं अंडर द टेबल तभी पब्लिक हमेशा कहती है कि पुलिस अंडर द टेबल ही काम करती नहीं 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 दरअसल आपने वो गोलियां चलाई ना इसलिए वो वैसे आप हैं कौन बहत्तर सिंह पंजाब पुलिस एक मुजरिम का एनकाउंटर करना है मुझे किसका जिसने हमारे मंत्री को चपेड़ मारी है मंत्री जी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसका एनकाउंटर करना है मुझे लेकिन वो तो आजाद है आजाद है लेकिन मंत्री जी की खुफिया ऑफिस से मुझे पता चला कि वो जेल में अरे नहीं मेरा मतलब उसका नाम आजाद है ओ पंजाब पुलिस के साथ मजाक अरे नहीं नहीं उसके साथ मजाक हो रहा है कोई बात नहीं कर लीजिए आप बुलाइए उसे मैं उड़ाता हूँ एक मिनट पुलिस में होने के नाते तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि इस तरह के कैदी को बाहर ले आने के लिए पेपर की जरूरत होती है पेपर कहाँ है ये क्या था पंजाब पुलिस की रफ्तार और आपका पेपर अरे ये पेपर नहीं मैं तो पंजाब केसरी पढ़ता हूँ आपको अगर महाराष्ट्र टाइम मंगाना खुद ही मंगा लो अरे यार वो आजाद का एनकाउंटर करने का पेपर कभी इलीगल एनकाउंटर के पेपर का नाम सुना आपने नहीं तो कैसे जेल आ रहे हैं आप हाँ लेकिन अब लेकिन मैं समझ गया आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ आप वही है ना जिनको बहुत शौक है अपना नाम और तस्वीर पेपरों में छपाने का कोई बात नहीं एक काम कीजिए आप एनकाउंटर कर लीजिए आपकी तस्वीर आ जाए मेरा क्या है
पत्थर सिंह की तस्वीरें तो आती जाती रहती है। एनकाउंटर यहां से नहीं, वहीं से होना चाहिए। पक्की बात है? पक्का। अब उसको आप बुला रहे या मैं खुद बुला के ले आऊं? कहो तो आपके लिए एक चाय भी ले आऊं। अरे अरे लेके आना उसको। मैं क्या बोलता हूं, इस बस उड़ा ही देना साले को। और किसी को जेल में उड़ाना तो नहीं है? हाँ सब ठीक। ओके क्या जरूर साहब, याद किया? बेहतर तू इसे टूथब्रश मत समझना, ये दांत साफ करने के लिए नहीं, खोपड़ी साफ करने के लिए, समझे ना? चुप करके मेरे साथ चलना। अबे मुंह खोल साले, आदत से मजबूर। अच्छा जी सत श्री अकाल। ओके जी एक मिनट। क्या हुआ? प्रवचन सुनो इनका। देखो तुमसे जो भी गलतियां जो भी पाप हुए हैं उसका पश्चाताप मंदिर में नहीं दिल से करने, यही ना? टाटा चल। यही बोलना था आपको? हाँ। अरे बेहतर चलना नहीं तो उपदेश देके मार डालेगा इधर ही। सुधर गया। अफसोस देरी से। गोली क्यों चला रहा? क्योंकि पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं। इंदो इंदो मैं आजाद हो गया, इंदो मैं आजाद हो गया। मैं बोला ना तेरे को। बहतर जी थैंक यू। इंदु जी आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आपकी खुशी के लिए तो मैं पूरा का पूरा जेल खाली करवा ला था। ए? थोड़ा पीछू हा? पीछू जेल से छुड़ाया ना तू मेरे को, बाद में मिल बहुत माल देगा तेरे को। ओए खोतिया ताजमहल तो मैंने तुझे दिया, तू अपने आप को शाहजहां समझ रहा है? ये क्या रे? बहतर हो सके तो मेरे को माफ कर देना। इंदु जी आप क्यों माफी मांग रही है, ये सब तो रब की मर्जी है। वैसे भी ऊपर वाले ने मेरे हाथ में अपनी रहमत तो दे दी मगर मोहब्बत देना भूल गया शायद। और मैं बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डांस करता रह गया। अच्छा जी। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने अच्छे से डांस कर लेते हो। आपने मौका ही कब दिया? जब आपसे पहली बार मिला आपने गमला दे मारा, उसके बाद आपने बंदूक तान दी, उसके बाद तेज गाड़ी में ले जाके मुझे डराने की। हां हो गया हो गया। चल इंदो। अरे एक मिनट, तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी? कितनी इंसल्ट कराई मेरी वहां डिस्को में। ट्रक पे डिस्को जाते हो? ट्रक पे? और वो भी ऐसा ट्रक जिसने दुनिया के सारे कलश थोप दिए हो। ट्रकों की बेइज्जती मत करना, ट्रक पंजाबियों की शान होती है। वाह वाह नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रकों से हमारी रोजी रोटी चलती है। अरे इसी की तहसीस की रोजी रोटी। रोजी कैसे? तुम तो पुलिस वाले हो ना? 12वीं फेल को कोई पुलिस वाला नहीं बनाता, और वैसे भी काम मैं पुलिस वालों का ही करता हूँ। बॉर्डर से जितना भी स्मगलिंग का माल आता उसको पकड़ के पुलिस में ही देता हूँ, देश का भला करता हूँ मैं। अरे हटा साला पुलिस है, चोर है। यानी कि तुम पुलिस वाले नहीं हो? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अब कौन सा कमिश्नर से शादी कर रही हो तुम? अरे गुंडे की बहन गुंडे के साथ ही जाएंगी, कमिश्नर के साथ नहीं, समझा? कौन गुंडा? इसका भाई टीटी, और कौन? ऐसे क्या देख रहा है इसको? टीटी को ना शरीफ खानदान चाहिए था, तो इसलिए ऐसा वर्दी पहन के चूना लगाया तुम लोग को। बताया इसको? ये सही बोल रहा है, टीटी पुलिस में नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ टीटी पुलिस में है कि नहीं? अरे हाँ, तो तूने भी तो नहीं बताया कि तू पुलिस वाला नहीं है। मेरे बताने से क्या हो जाता? कुछ नहीं। तो फिर? अरे कुछ नहीं। ए, वो तो क्या तेरा ड्रामा, चला भी चल। असद ये क्या तरीका है, देख रहे हो ना कि मैं बात कर रही हूँ? जरा भी तमीज नहीं है तेरे को। तो मेरे को तमीज सिखाएंगे? तमीज सिखाएंगे मेरे को। वो इंदु जी वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसको। सही किया, चलो अपने घर चलते हैं। अपने घर? हाँ अपने घर। बच्चे को पता चल गया है कि वो एकदम बेकार फालतू और दो कौड़ी के खिलौने के लिए जिद कर रहा था। चलो
जीवन फूलों का ऑर्डर देने के बाद बैंड वाले को रिमाइंडर दे देना, कल शादी में मुझे कोई। तूने झूठ बोला ना कि 72 पुलिस वाला है। तूने मुझे भी झूठ बोला ना कि टीटी भाई साहब पुलिस वाले हैं। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। सही बोला था उन्होंने। अब तेरे इस नमक जितने झूठ का पता किसी को चले, उससे पहले उसमें ढेर सारा आटा मिला दे और हम दोनों की शादी करवा दे, समझे? क्योंकि अब अगर शादी से पहले किसी को पता चल गया ना तो तू गया। यानी कि आप लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग रेडी हो? रेडी, एवर रेडी। ये बारात आने वाली है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो, अबे कौन है तू? मेरे बाप, बोलता क्यों नहीं है? खून पी गया मेरा। अबे तेरे पास तो काम नहीं है, मेरे पास तो है। उतरा वांदरा बिलाड़ा दफोड़ जा। रोज 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 अपने बेटे से गाली सुन के क्या मिलता है आपको? सुकून मिलता है जिगना, वो ठीक तो है। अभी तो वो काम भी करने लगा है। काम तो वो आपके साथ भी कर ही रहा था ना। थोड़ी गड़बड़ जरूर करता था, लेकिन उसके लिए उसे घर से निकलने की क्या जरूरत थी हो? अरे जिगना, कच्चे लोहे से काम की चीज बनाने के लिए लोहे को आग में तपाना पड़ता है ने? मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है, उसका दुख नहीं होता होगा मुझे? कल को उठ के जिंदगी में कुछ बनेगा ने तो उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी, होगी कि नहीं है? अरे बाप हूँ उसका। बाबूजी बिल्कुल अलादीन लग रहा हूँ मैं। बिल्कुल वीर जी ना। बाबूजी आपकी आंखों में आंसू। मैं विदा होके नहीं जा रहा हूँ, आपकी बहू को विदा करके लेके आ रहा हूँ। हाँ बेटे, हमारे खानदान में तेरे दादे परदादों ने कभी अपने बेटों के सर पर सस्ता हुआ ये ताज नहीं देखा। बेटे हमने या हमारे खानदान ने या तो कुड़ी की सड़क पे मांग भरी है या टैक्सी में लेके भागे। तेरी वजह से आज हमारा रिश्ता एक शरीफ और बड़े खानदान से जुड़ने जा रहा है। ओए पहली बार हमारे घर में हिंदुस्तानी बहू आई। अब हंसते रह करो बाबूजी, बस हंसते रह करो। भाऊ आप चिंता मत कीजिए, देखिए तो इंदुबे भी कितनी खुश है। लगता है इस बार तो इनकी शादी हो ही जाएगी। हाँ बख्तावर, मुलगी शिकली प्रगति साली। जाली भाव जाली। जल्दी आ, देख तुम भी सनसनी खबर का हिस्सा बनने जा रहे हो। किसी को पता ना चले कि तुम प्रेस वाले हो। कोई भी पूछे तो बोल देना शादी में वीडियो बनाने आया हूँ। भगत कहाँ है? अरे भगत नीचे है, मैं उसको समझा के आती हूँ। तू फटाफट कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर फटाफट, जल्दी। भगत तू है? हाँ मैं हूँ। अरे मैंने पूरे लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त कर लिया है, अब देखेगी पूरी दुनिया टीटी का ड्रामा। अब आएगा असली मजा। मैंने राघव को बुला लिया है। राघव को बुला लिया? चलो उसको काई को बुलाया, मैं हैंडल करता ना कैमरा। मैं हैंडल करता है ना कैमरा? अरे तू खड़ा होगा तो पूरी दुनिया को पता नहीं चल जाएगा। तू बैठ, मैं करती है, समझा? देख देख मिली, मेरे करियर का सवाल है। तू बैठ, मैं करती है। मिली 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 मेरा करियर। हे जीरे जी जीरे मंचू को घड़ी वाला ना। मंचू मंसुख, मंसुख भाई। जीवन यकीन नहीं होता यार कि ये शादी मैं करवा रहा हूँ। हाँ यार, लेकिन जाट मारा तभी जानो जब उसकी 13वीं हो जाए। मतलब
मतलब भाई ये शादी हम दो बमों के बीच करवा रहे हैं, एक बम है एक एटम बम है, बस दुआ करो कि कोई फटे नहीं। मतलब मैं निकल ओ बेटा, मैं शादी में नहीं रहूं। रेडी होकर आ और गिफ्ट लेकर आ जा। बताएगा कौन कि कैसे खातिरदारी करेगा डॉन? देखिए कहीं कांदा भजिया तला जा रहा है, कहीं बेरहमी से सब्जी का गला काटा जा रहा है। गुंडों की शक्ल वाले हलवाई बुलाए गए हैं अपनी बहन की शादी में, सिर्फ खुलासा न्यूज पे। ये बताएंगे हम कि डॉन का जीजा कौन। देखते रहिए खुलासा न्यूज। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कितने ही लोगों से हफ्ता लेकर डॉन ने सजाया है अपनी बहन का ये मंडप, और ऐसी कई सनसनी न्यूज है सिर्फ खुलासा टीवी के पास। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसी न्यूज बताऊंगी जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता। हट, अरे मेरे को एड़ा समस्या आया, उधर कुर्सी पर बैठे बैठे मेरा पैदा किस गया, और फुगड़ का चंदन किस हो गए तुम दोनों? चोई लो। अरे भगत के बच्चे, शराब पी के कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तू? अभी तेरे को मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। चल रे, चौथे पेरे से दूल्हा आगे आएगा। मैं आ गया। हाँ। लो जी। अरे भगत, ये शादी फिर से करो, मेरे को शूटिंग करने का। ए, तू तो बिल्कुल ठीक है। लोचा हो गया रे। ये तो अबाइश था ना? था तो सही। चमत्कार, देवरे देवा चमत्कार। ये पकड़ना, तू वीडियो बना। चमत्कार चमत्कार, टीटी भाई की गाड़ी से मेरा भाई टकरा के अपाहिज हुआ था, आज उन्हीं के घर आकर उनकी खुशी देख के नाचने लगा, उनके घर नाचने लगा, नाचने लगा, उनके घर नाचने लगा, नाचने लगा, टीटी भाई के घर नाचने लगा। बाजी ये सब छोड़ो ना, आप फेरे ले लो ना। ए गपस गपस, वाओ, तेरे चरण छूते रे बाबा, मेरे को माफ कर दे रे। एक्चुअली हम दोनों भाई बहन प्रेस रिपोर्टर है, हमारी नौकरी के वादे हो गए थे, इसके वास्ते हमको ये नाटक करना पड़ा। पाजी छोड़ो ना, शादी के फेरे ले लो ना। हम दोनों मिली भगत को माफ कर दे, ये माफी मांग। माफ कर दे। भक्तावर ए नाना लेके जा रे। चल चल चल, नहीं चल, चल भाव, भाव माफ कर दे भाव, चल चल मिली। मिसेज भक्तावर, ए चल, अरे चल चल, अरे हट, चल, अरे तू हट, निकल यहाँ से। ओ टीटी भाई, ये आपके घर में प्रेस रिपोर्टर क्या कर रहे हैं? होता है बड़े लोगों के शादियों में ऐसा होता है, चोरी मिल जाती है ना प्रेस रिपोर्टर को। पापी पेट के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, झूठ बोलता है। पाजी ये सब छोड़ो ना, फेरे ले लो। बगल हो जाइए। हम प्रखा दशवा मारू तो चार जी, तेरी सिटी मैं बजाता हूँ। पुलिस को अंदर के तो माइला कुटे केवला वाला लपा लपा लपा। पांच पांच फेरे हो गए, छह छह आखिरी फेरा। अरे जाओ माइला, ये केक कुर नहीं छोड़ेगा, मैं सब कुछ जेल करवा के देख। मैं ये केक कुर नहीं छोड़ेगा। रे टीटी, क्या शादी मना रहे क्या? हाँ, अंदर को इतना देते बंद किया मेरा हनीमून मनाने के लिए। ये जाओ माइला, साला मेरा एक नंबर दो नंबर का वान रख किया, मेरे को ऐसा जगह बंद किया, मेरे को कोने नहीं मिलता, ऐसा तय करने में मेरे को बंद करता है। जाओ माइला, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ दीवार, घूमता तो मेरे को दीवार लगता है। ए मुंबई पुलिस जी, ठंड रखना यार, तुम्हारा दोस्त है, नाराज है, मना लो यार। ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। भक्तावर आजा भाई, आप भी ठहरो, बोलकर घुस जाओ ना। बॉस, जेल में इतने दिन ठहरे हो, ठहरो नाम से नफरत हो गई होगी। बॉस
साला अपुन तो इधर ठहरे और वो लेंगी फेरे। अच्छा कह रहे बांग, बांग, बांग। क्यों है सत्तर? इकहत्तर? ओ बहत्तर, बंद करिए बर्बादी। वीर जी ये कमीना कहां से आ गया? ए, तुम कौन हो? इंस्पेक्टर जुगनू सिंह, पंजाब पुलिस। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका रिश्तेदार है? ना जी ना, मैं इनका कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं हूँ। ओ इन कमीनों के साथ तो रिश्तेदारी तू करने जा रहा है? ओ इनको पूरे भारत महान में कोई अपनी लड़की नहीं देता, मालूम है क्यों? क्योंकि ये वो खानदानी बंदे हैं जिनके सारे गलत धंधे हैं। लेकिन ये तो पुलिस वाला है। पुलिस वाला ये? और पुलिस वालों की शक्ल ऐसी नहीं, ऐसी होती है ना। तू बता भला, दसवीं फेल को कोई पुलिस में लेता है? ए, क्या बोल रहा है ये? ये झूठ बोल रहा है, मैं दसवीं फेल नहीं हूँ, मैं बारहवीं फेल हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोग पुलिस वाले हो। वीर जी ये फर्जी है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ? झूठ बोला आपने? बेटे की शादी कराने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला है? शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। ओए टीटी साहब, आराम से ठंड रखो। दूसरों पे की चोट उछालने से पहले अपने गिरेबान में जाके देखो। पुलिस वाला कहते हो ना अपने आपको? जानता हूँ कौन से बड़े पुलिस वाले हो। मनसूख ने सब कुछ बता दिया है, आप पुलिस वाले नहीं गुंडे हो, गुंडे। जब महिला टकलिया मेरा मुंह मिटा गया। कह रहे तू? अरे मैं पहले बोल रहा था ये गुंडा है, गुंडा है, तेरे बात को सुनता ही नहीं। अरे इसका बोल बदल तुमको सत्य होते लगता था क्या? अरे तेंदुलकर तेरे को एक काम भली भारी पड़ेगा। अरे तू इतना बड़ा बड़ा क्राइम किया मगर ये तुच्छा फालतू झूठा काम करता है, वो भी मुंबई पुलिस का ड्रेस पहन के है। ए जा माइला, काय के लिए रे? मजबूरी थी क्योंकि आप उनकी बहन को कोई शरीफ खानदान का लड़का नहीं मिलता। वैसे भी मैंने झूठ कहां बोला? ये मनसुख ने झूठ बोलने को बोला तो मैंने बोल दिया। टिटी बाल वो आजाद पंडित जी को उठा के ले गया। हाँ और इंदु दीदी को भी। यजमान हमें क्यों उठा लिया? अभी तो वहां फेरा कराना बाकी था। अबे पंडित, अभी तो तुझे आजाद जी के पूरे फेरे करवाने। आजाद मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे जा रहे, क्या कर लेगा बहत्तर मेरा, कर क्या लेगा? बताने की जरूरत है क्या? दिमाग पे जोर डाल, याद आ जाएगा। आजाद बोलता है 200 आदमी और भेज फौरन। हिंदू आ गया अपन की शादी का मंडप। पहले कैसे आ गया? कभी ओवरटेक किया रहे इसने? अपन ने नहीं देखा भाई। अरे दुनिया में तीन चीजें होती तो हैं, मगर तुम्हें कभी नहीं दिखेंगी। भूतों का संसार, सच्चे वाला प्यार और इनकी रफ्तार। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी।
बता देना मैं क्या बोला था, बहुत माल देगा। ऐसा नकू बोला था कि अपना माल देगा। ए, वो माल नहीं, मेरी बीवी है। अरे काय की बीवी, गिनती आती मेरे को, एक फेरा बाकी अभी। इसलिए तो साले तू भी अभी तक बाकी है, छोड़ दे इंदु जी को। इंदु जी शाने तेरी तो नहीं, नहीं। अपन काय को उलझेगा तेरे से, तेरे लिए तो अपना पंटर लोग काफी है। रोड़े है बड़ी उलझी उलझी, सच में है बड़ी उलझी उलझी तेरी लाइफ की भूल भुलैया। खिलाड़ी
चल तमाशा देख। कानून को अपने हाथ में मत लो और चुपचाप यहां से चला जा। पुलिसिए पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते। चाचू, तेरा चाचू इकहत्तर सिंह आदिक अंकल। पहले से गिनती कम थी क्या जो एक नंबर और बढ़ गया इनका? अरे लेट जा वरना फिर से पिटेगा, लेट जा। अरे मैं मर गया रे पुत्र जी। पहचान लिया पंजाब के तुम तीनों बहुत बड़े बुजुर्ग हो। ना 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 पुत्र, सरकारी पिस्तौल है। जब तेरा बाप पहचान गया है तो तू भी पहचान जाएगा। बेबे देख तेरा पुत्र तेहत्तर सिंह आया। जल्दी बेबे जल्दी। मेरी याद नहीं आई, कहाँ था तू? मेरे भी तेरी उंगली के छूटी, मेरी जिंदगी से पंजाब ही छूट गया। एक डाकू ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और पुलिस में भर्ती कर दिया ताकि अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। मैं तो अपना नाम और तुझे छोड़कर सब कुछ भूल गया था बेबे। लेकिन उस रात के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेबे, बेबे। मेरे बेटा क्या था तू? मैं तेरी माँ। मेरी माँ? माँ बाबूजी। बाबूजी मेरे प्राण, मेरे शेर। आखिरी फेरा क्या तेरा बाप लेगा? चल बेटा, चल चल चल। नहीं जी, मैं ही लूंगा। अब शास्त्र विधि के अनुसार आप दोनों जन पति पत्नी हुए।
अरे बेटा मेरे पैर क्यों छू रहा है? पहली शादी मुबारक हो मनसुख। पापा। मनसुख। अरे बेटा मैं तो तुझे फेंका हुआ कांच का टुकड़ा समझता था, लेकिन तू तो तरासा हुआ हीरा है मेरा हीरा। पापा। अरे बेटा 100 वर्ष नो था और 1,25,000 शादी कर दूसरो किया। थैंक यू पापा। ए मेंस एंड नॉट इंदु, मुझे तेरी शादी एक अच्छे खानदान में करानी थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि अच्छा खानदान वो होता है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो, और इस खानदान में बहुत प्यार है। जा खुश रह।